बापू की जय हो। आपके सुपुत्र को यानी मुझे जूनियर रामू और रम्या को कैटरिंग बिजनेस में सुपर हिट होने का मौका मिला तो आपकी मक्कारी की वजह से। अपना आशीर्वाद छतरी की तरह बनाए रखना। अगर कभी इंसल्ट भरी बारिश भी हो जाए तो ना ही ये छतरी कभी टूटे और ना ही इसमें कभी बड़ा सा छेद हो। जय हो रम्या के डैडी की। क्या भाई, शहर के सारे मैकेनिक आज यहाँ आ गए? धंधा हुआ मंदा तो याद आ गया बंदा है? हम शादी की बात करने आए हैं। ओ, शादी मतलब बर्बादी। किसकी शादी? किसकी मतलब क्या, हमारे बॉस की, बाबू हटेला। बाबू हटेला? हटेला है तो बैठो खटोले पे। ओके हटेला, टेल मी व्हाट इज योर मैटर। बाबू भाई के किस्से बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जानता उसे जीने नहीं देते। बाबू भाई लव मैरिज करना चाहते हैं। ये काले जामुन को अंगूर कहाँ से मिला? एक तरफा प्यार होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुना है कि तू फेमस केटरर है, इसलिए आप अपनी शादी के केटरिंग का ऑर्डर देने के लिए आया है। फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी शादी में आएगा उंगली चाटेगा। एक स्पेशल डिश बनाऊंगा जिसका नाम है चिकन हटेला। तो शादी में बिन बुलाए मेहमान कितने होंगे? यही कोई 500 मेरे दोस्त और रिश्तेदार, और लगभग 1000 या 2000 मेरे दुश्मन। अच्छा, तो दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा है। शादी में कोई लोचा हुआ तो? लोचा तो होगा। किस टाइप का लोचा? घबरा मत, आप उनके पास सॉलिड आइडिया है। दुनिया तो नहीं बदल देगा ना? आप उनके दिमाग का आइडिया बोला है कि आप उन अपने दुश्मनों को लास्ट में खाना खिलाएगा और तू उनको जहर डालकर टपका देना। यानी दाल बनेगी काल? अरे दाल नहीं तो चिकन हटेला भी चलेगा। शादी की तारीख 15 तारीख को। उस दिन तो खाना भी टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दिन मेरा ब्लड टेस्ट होने वाला है। काला क्यों हो गया? क्या बोला? अरे सबका लाल होता है, मेरा काला हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप चिकन हटेला किसी और से बनवा लो। बाय। सूट कैसे लेकर? एक्सक्यूज मी, डोंट एंग्री मी बाबू हटेला। आप चाहे पेटी भर के मुझे करोड़ दे या फिर लोहे का मोटा सा रॉड दे, मैं कमिटमेंट करने के बाद पैसों की तो क्या अपने बापों की भी नहीं सुनता है यो मैन। अरे कल खोलेगा क्या? ये सब क्या है? कोयता, लटकाने की रस्सी, पॉइजन बॉटल। ये किसके लिए है? एक बार आप उनका दिमाग हटाना तो सामने वाला कटा, समझा? आप उन सामने वाले को मारने के लिए 3 ऑप्शन देता है, तू बता तेरे को कौन सा चाहिए। मौत का केबीसी? हाँ, लाइफ लाइन तो दो। ये अच्छी चीज है, इससे मैं ककड़ी काट सकता हूँ। बोलो कितने का दिया? तेरे लिए फ्री है। खैर मैंने फैसला कर लिया है। इधर से भागने का? तुम्हारा ऑर्डर लेने का। क्या बात है। अब जल्दी जल्दी बोल, खाने के लिए तेरे को क्या क्या मटेरियल चाहिए? मोटू शुरू हो जा। चाल पेपर पे नोट कर ले। 10 बोरी चावल। जैसे ही बब्बन की दुकान 7 बजे बंद होगी हम चोरी कर लेंगे। 2 बोरी शक्कर। रात को राशन की दुकान से अपने छोकरे ले आएंगे। 200 नारियल भी। 200 क्या, 300 ले आएंगे, पास के खेत से चुरा लाएंगे। अरे शादी कर रहे हो या भाईगिरी की दुकान खोल रहे हो? है, मैंने सामान लाने को कहा है, सामान दिखा के सामान लाने को नहीं। ये बताओ, लड़की शादी के लिए राजी है या उसे भी अपना सामान दिखा के लाने वाले हो? ये तेरे घर में कोई आइटम है क्या? ए शांति काकी। क्या बेटा? अंदर जाओ, काका बुला रहे। अच्छा सुनो तुम सब, अब यहाँ से बाहर जाओ, चोरी दादागिरी शुरू करो, सामान जमा करो, फिर यहाँ आना। मुझे अच्छा अच्छा काम करना है और यहाँ तो मेरा ही काम तमाम हो रहा है। ए मोटू, अपने आदमी कहाँ गए? चाकू रस्सी और जहर देख के पतली गली से निकल गए। तो इस काले हटेले के लिए खाना कौन बनाएगा? अरे मालिक, मार्केट में बहुत सारे बावर्ची हैं, किसी को भी बुला के खाना बनवा लेंगे। लिंगी से याद आया, मुझे नई लंगी खरीदनी है। हाँ तुम आ गए। नमस्ते नमस्ते। अबे मोटे, सुबह सुबह अपने दोस्तों को बुला के गोटी खेलने का प्लान बना रहा है क्या? अरे मालिक, ये वही मार्केट वाला बावर्ची है। सुनो, ये मेरे मालिक है। ये अब हमारे मालिक है। ये बिरयानी प्रताप है। नमस्ते जी। बिरयानी, इसका सिर तो मुझे छिले हुए नारियल की तरह लगता है। बिरयानी बनाना लेकिन उसमें ज्यादा काजू मत डालना। और ये वड़ा गणेश। नमस्ते। ये डोसा मनी, इसका चूसा हुआ चेहरा देख के डोसा खाने का मन नहीं करता है, इसको फुटाओ यहाँ से। या 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 या। ये बेचारा पापड़ अच्छे तलता है। पापड़ तल के कल्टी हो जाना। ये आलू दो प्याजा कौन है, प्यासे की तरह मुझे घूर रहा है। ये तो भटूरा कुमार है, गोल फुगा हुआ भटूरा, जल्दी इधर आ जा। तुमको देखा तो दिल में ख्याल आया, मार्केट में नया काला भटूरा आया है। भटूरा तुम्हें खुद नहीं खाना है, उसे तैयार करके मेहमानों को खिलाना है। अगर तुम खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। और मैं सादा संजय। कपूर हो कुमार हो, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा खाना बनाने आना चाहिए। दिल में एक बात पता करिए, तुम लोग सब सीढ़ी की तरह हो, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तुम लोग कहीं मेरी बजाने के लिए तो नहीं आए? आपने तो सवालों की लाइन लगा दी,
पॉइंट पे आओ, क्या बोलना है? पॉइंट ये है कि हम यहाँ आकर आपको इम्प्रेस करना चाहते वो थे। कैसे? हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, ऑर्डर के साथ आए हैं। शाबाश बिरयानी। पुलिस ऑफिसर की बेटी के शादी के केटरिंग का ऑर्डर। तो तारीख बोल। इस महीने की 15 तारीख। अरे उसी दिन तो मालिक ने गुंडे की शादी का ऑर्डर लिया है। अबे मोटू, मैंने ऑर्डर नहीं लिया है, उसने ऑर्डर कह के डरा के ऑर्डर दिया है। आप लोग बात करो, मुझे अपनी चाची के गोद भराई में जाना है। सुन लिया, ये खुद इतना भरा हुआ है, चाची की गोद भराई में जाके और भर जाएगा। खानदान है या अमर चित्र कथा, वो हटेला बिन मांगे ऑर्डर दे गया और तुम बिन बुलाए पुलिस का ऑर्डर ले आए। बुरा फंस गया हूं मालिक। पुलिस बड़ी होती है या गुंडा? फिलहाल तो मुझे तेरा पेट बड़ा लग रहा है, कोई मुझे इस मुसीबत से निकालो। हमें केटरिंग का ऑर्डर पुलिस ने दिया है, उस गुंडे की कंप्लेन करेंगे और ठीक शादी के दिन फेरे होने के टाइम उसे अरेस्ट करवाएंगे। यानी लफड़ा करेंगे, वो भी बाबू हटेला के साथ। आप कंप्लेन तो कीजिए ना। बाबू हटेला की कंप्लेन करोगे? मालिक मेरी सैलरी, मुझे मनी ऑर्डर कर देना। जाओ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। इसे क्या हुआ? अब टिप दे रहे हैं मालिक? नहीं, टिप नहीं है, जब भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तब मैं इससे टॉस करता हूँ। मुझे बाबू हटेले की कंप्लेन करनी है या नहीं। हेड आया तो कर दूंगा, टेल्स आया तो नहीं करूंगा। डोंट डिस्टर्ब। हेड्स आ गया मालिक, हेड्स आ गया, घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? ये हमारे मालिक है सर। नमस्ते नमस्ते। बाबू हटेला के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब हम आए हैं। बाबू हटेला, पागल हो गए हो क्या? बताइए ना। बाबू हटेला ने मेरे घर में शांति को छेड़ा। हाँ? जो बैठ के चावल हाँ? बिन रही थी। लड़की को छेड़ा? सर, ईव टीजिंग सर। सर, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर दें तो मैं आपको काजू बिरयानी खिलाऊंगा। लेकिन बिना उस लड़की को मिले मैं ऐसे कैसे केस फाइल कर लूं? तो ठीक है, मैं सुंदरी को बुला लेता हूँ। संभल के मुन्नी। अच्छा, तो उसने इनकी पोती को छेड़ा? पोती को नहीं, इसी को छेड़ा। क्या मजाक कर रहे हो? इनके पैर तो कबर में लटक रहे हैं, इन्हें छेड़कर उसको क्या मिलेगा? मिलना बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन से आ रही हो। स्टॉप, काले भटूरे। हाँ मालिक। ये काम रही है, इनको स्वेटर पहना के क्यों नहीं लाया? संजय कपूर। सर, बाबू हटेला के खिलाफ केस फाइल करना है, कोई फॉल्स केस थोड़ी ले लूंगा। सर, आप चाहते हैं ना आपकी बेटी की शादी ठीक से हो? क्या मतलब? उस गुंडे की हरकतों की वजह से आपकी बेटी की शादी बिगड़ जाएगी तो? आपकी सगी बेटी है ना सर। सर, जल्दी करो वरना इनकी साइन लेने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा। उसे अरेस्ट कीजिए वरना ये रेस्ट इन पीस हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। आपकी बेटी की शादी सुपर हिट मालिक। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम बराबर हिला ना। गाजर कढ़ाई में डाल, पेट में नहीं, समझा? बाहर पुलिस बाबू अटला को अरेस्ट करने आई है, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो। ये सब्जी देखना, जल्दी आओ। ए रुक रहे चूहे, तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। साले को जरा देखो तो सही, इंसान है या काला सांड? जिससे भी शादी करे वो लड़की बर्बाद हो जाए। मुझे बोला था खाने में जहर डाल के लोगों को टपका देना, इसको जेल में मत डालना। तुझे हम भूखा नहीं रखेंगे, रेगिस्तान में बिठा के हम तुझे खाना खिलाएंगे और उसमें जहर होगा चूहे मारने वाला। जेल में जाके शादी के सपने देख। गुस्से से गर्म हो रहा है, अंडा फोड़ के ऑमलेट बनाऊं क्या? ये आपसे बाद में व्यंजन जरूर लेगा। वो क्या होता है वेंजेंस? मतलब आज से आप इसके जानी दुश्मन बन गए हैं। आज से आपकी इसके साथ दुश्मनी शुरू हो चुकी है। आपकी होने वाली बीवी को उठा कर ले जाएगा, इसके बच्चे आपके होने वाले बच्चे को चुन चुन कर मारेंगे मालिक। और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा ये बता, तू मेरी टीम में या उसकी टीम में है? बातें बंद करो और फाइट शुरू। तूने बॉस को लात मारी, अब बॉस मुंह कैसे दिखाएंगे? तेरी क्लास बाद में लेता हूँ। ए मालिक को अंदर ले चलो, चलो चलो। लेकिन मैं चलो चलो, डरना मत मालिक। कैसे सांड की तरह घूर रहा है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हमारी बेटी दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही है ना। सर, मालिक है? ये आप क्या कर रहे हो? ये काम मेरा है। बोलता कम और चिल्लाता ज्यादा है, मैं पापड़ दे देता हूँ। अरे मालिक मुझे दो ना। है? ये चार तुम्हारे लिए। ये काले भटूरे, ये कराटे क्लास में तोड़ने वाले पापड़ नहीं है, ये खाने वाले पापड़ है। एक एक दो, एक एक दो, जा जा आगे दो। हाँ हाँ ठीक है, क्या करूँ, सबको सिखाना पड़ता है। अरे मालिक मैं कर लूंगा ना। ए, बाल्टी छोड़ गया, हैंडल ले गया, कैसा आदमी है? यहाँ लाइए, मैं परोसता हूँ। संजय कपूर, अगर तुम लोग मेरे साथ लंबी रेस के घोड़े बने। अरे रहेंगे ना, आप बस ऐसे काम का मौका दीजिए। बात तो सुनो, तुम इतने मेहनती लड़के आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखे।
ये कौन है इनके पास्ट के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये मुझे फ्यूचर में कहाँ ले जाएंगे ये दिख रहा है। अरे सर अभी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, मेरा लड्डू चाहिए क्या? सर आप बिना खाए क्यों जा रहे हैं? पार्सल ले जा रहा हूँ। सच में आप अपनी बेटी के लिए पार्सल लेके जा रहे हो या फुलझड़ी के लिए? मुंह बंद कर, तुमने जिस गुंडे के खिलाफ। हाँ समझ गया, वो काला कलूटा बैंगन लूटा जिसके साथ चोरों की टीम होती है, वही ना? उसको अरेस्ट करने के आधे घंटे के अंदर ही मेरा ट्रांसफर हो गया। क्या कहा, ट्रांसफर हो गया? हाँ मेरी पोस्टिंग अब त्रिची में हो गई है। सर अगर अरेस्ट करने पे वो ट्रांसफर करवा सकता है तो जिसने कंप्लेंट की उसकी तो वाट लगा देगा। हाँ यार सर कुछ करो ना, कोई रास्ता निकालो ना सर, क्या करेगा? बता दो वरना ये कमीने मर जाएंगे। सर तुम लोगों की वजह से मैं फंस गया। जब वो मेरा चुटकी बजाकर ट्रांसफर करवा सकता है तो तुमने तो उसे लात मारी थी, सोचो तुम लोगों का क्या होगा। मैं तो निकल रहा हूँ, तुम सब भी निकल लो यहाँ से, पतली गली से। चलो 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 शर्मा, अब साले की वाट लगा के रहूंगा। मालिक, मालिक अंदर लेट जाओ। मालिक लेट जाओ मतलब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई क्या? ये एक रास्ता है मालिक। कैसा रास्ता है ये? जल्दी करो मालिक, वो काली आता ही होगा। ए, तू चुप कर, चले तू बैठ। मतलब बैठिए मालिक, चलिए अब जल्दी से मुर्दे की तरफ सो जाइए। मालिक आप लेट जाओ, आराम से। इस डिश का दाम सबसे महंगा रखना। ठीक है ठीक है। ये तीखा सांबर किसने बनाया? ए, मैंने बोला था ना सांबर इतना तीखा मत बनाना, मुझे पसंद नहीं है, आगे से पकड़ काट दूंगा समझा। बाल नहीं काट सकता, पगार काटेगा तू। चलो ढको मुझे। अरे देख क्या रहा, जल्दी खाने, तू खड़े खड़े देख क्या रहा? अरे खुद को भी बचाना है, जल्दी करो वरना मैं पगार काटूंगा। ए, गेट बंद कर, वो साला केटरर यहीं कहीं होगा। एक एक कोना छान मारो, देख क्या रहो, जाओ जल्दी करो। आज वो बच नहीं सकता, उसकी नानी याद दिला दूंगा। नाना जी अंधा है क्या? कहाँ जा रहा तू? बासी खाना। फेंकने ले जा रहे, दूंगा एक चमाट। Hey, रुक जा। येरा बर्तन नीचे रख। भाई ये वड़ा खा लूं? एकदम ताजा लग रहा है। और दिन के बाद ऐसा वड़ा खाने को मिला बॉस। और नहीं था क्या? अगर ऊपर वड़ा पड़ा नहीं होता तो मैं जमीन के नीचे गड़ा होता। अच्छा अच्छा, रख दे रख दे, आराम से आराम से। अब अपने मालिक को बाबू नाम का कुत्ता नहीं काटेगा। अरे ये क्या, चल 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 यहाँ से। अरे भागो भागो भागो। फटेला फिर से आ गया क्या? निकल निकल। बॉस वो लोग यहाँ पर हैं। आगे का पीछे का सब गेट बंद कर दो, यूं बाहर आने लगा है। बंद करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चिकन हटेले तेरा तो मैं कोरमा बनाऊंगा। ओए उस रात को इतनी जल्दी भूल गया? रात वाली बात भूल जाओ, मांडोली वाली बात करते ना सर। अरे कमीने तुझे अमिताभ बच्चन हॉल, शाहरुख खान हॉल और न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। आप माधुरी दीक्षित वाला हॉल तो भूल ही गया। हाँ वो तो भूल ही गया, पर आज नहीं भूलूंगा, आज तुझे बड़े की तरह चबा कर दिखाऊंगा। मेरे खाने पे मुंह मारा भाई, पहले बोला होता तो मैं एक नहीं दो उठाता। बड़ा टेस्टी है। ओहो हटेले से दुश्मनी महंगी पड़ी, सब कुछ बेचना पड़ा, सिर्फ 2 लाख बचे हैं, इसी से धाबा खोलूंगा। मालिक आगे का प्लान क्या है? प्लेन रॉकेट मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है। इस धंधे को गुड बाय कहो और फिर क्या करेंगे? और एक होटल खोल लो मालिक। होटल लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत है। अरे अगर आपके पास माल है तो हमारे पास खोपड़ी है, दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर है। सामान बांधकर मदुराई चलते हैं। आइडिया एकदम फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है? अरे वहाँ के कस्टमर खाते हैं पैसा नहीं देते। उससे तो त्रिची बेस्ट है। त्रिची में क्या लीची बेचेंगे? नहीं मालिक मैं कह रहा हूँ ना, हम तो त्रिची ही जाएंगे। ये त्रिची की आड़ी तिरछी बातें मत कर। भूल गए, बाबू ने जिस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाया था वो त्रिची तो गए थे, वहीं होटल खोलेंगे मालिक, लाइफ सेट हो जाएगी। सिर्फ उस पुलिस वाले के लिए होटल खोले। मालिक संजय का मतलब है कि वहाँ आप सेफ रहोगे। अरे चलो ना सर, काहे को आप खाते हो? ये बोलता कब है, थूकता ज्यादा है। तो डन मालिक, चलो ठीक है हम साथ में जाएंगे, होटल खोलेंगे, धंधा करेंगे, त्रिची में अपना घर बसाएंगे। सारा सामान पैक कर लेना, काले भटूरे बगैर हाथ धोए मेरे बापू को हाथ क्यों लगाया? मालिक आज से ये आपके बाबा नहीं, हमारे भी बाबा हैं। इनको देख के मेरे खून में कुछ होने लगता है।
कितना अच्छा होता ना अगर आपके 5 बाप होते तो। मालिक मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, हर एक के पास एक बाप होता। ये कोई सनी लियोनी का फोटो नहीं है जो सबके पास होना चाहिए, मेरे बापूजी का फोटो है। मालिक लेट हो रहे हैं। ए संजय खान, वो हमारी टमाटर की चटनी बनाए, हम जाके गाड़ देंगे तंबू त्रिची में जाके, समझे? सही है, शक्कर के साथ दही है। साइलेंस साइलेंस। बाबू अडेला बोल रहा हूँ। मुझे मत मार, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे भाई को कितनी बार बोला हा? साला तुम लोगों के भेजे में बात नहीं घुसती, मोहन भाई से पंगा लेगा। इसके भाई को खबर पहुंचा दो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मर्डर दिन तारीख। सर ये लड़ाई रोड के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी, काशी और मन्ना गैंग के बीच ये छटा खून है। एक दूसरे को मारे काटे बिना इन लोगों का खाना तक हजम नहीं होता है। पिछले साल काशी ने मन्ना के आदमी को मार डाला था और आज देखिए मन्ना ने काशी के आदमी को मार डाला। अब काशी चुप नहीं बैठने वाला। अरे हटो 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 पीछे हटो सब। भाई मेरे छोटे भाई, किसने किया ये? कौन हो सकता है वो, पता करो उसका। एक्सीडेंट नहीं, इसकी हालत देखो, किसने किया ये जानबूझकर, पता करो उसे। छोटे संभालो अपने आप को, पीछे हट जाइए। चलो चलो पीछे हटो सबको, पीछे हटो, चलो सबको पीछे पीछे। पता है तूने आज क्या कर दिया? बस एक मर्डर, अब उस साले का भाई आएगा, आने दो, उसको टपका के तिरछी पर अपना राज होगा। तू एक नंबर का जिद्दी है भांजे। हेलो। हाँ विजय, एक छोटा सा लोचा है, मैं फोन नहीं कर पाया। वैसे बॉस अब कैसे? आपका बीपी पहले से ज्यादा हाई है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। बॉस त्रिची में एक कॉम्प्लेक्स बनाने का सोच रहे हैं, उन्होंने बनाते वक्त पार्किंग पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ के लोगों ने उन पर केस ठोक दिया। बस उस दिन के बाद से बॉस का बीपी हमेशा हाई रहता है, वो टेंशन में रहते हैं। कुछ भी करो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स खुलना ही चाहिए, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो, काम हो जाएगा। आप मुझे बस उसकी कॉपी भिजवा दो, मैं भी देखता हूँ तिरुची में किसकी इतनी हिम्मत की मुझसे पंगा ले। बॉस से कह दो, मैं देख लूंगा। ए गाड़ी तेज चला। चलो भाई त्रिची आ गया, उतरो। अरे उतर भाई, कल उतरेगा क्या? चल जल्दी उतर। अरे उतर रहा हूँ बाबा, सामान तो लेने दे। अभी नहीं क्या हुआ? नीचे आइए ना मालिक। जिस धरती पर हम होटल खोलने वाले हैं उस पर कदम रखने से पहले इसे प्यार से चूमना होगा। नरिया के बापू ऑलवेज। ये बस है संडास नहीं। चल हट। मालिक शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। चल बे, वो हमारे मालिक है, वो भला तेरे पैर क्यों छुएंगे? ए मालिक को पिछवाड़े पे लात पड़ी इसलिए तेरे पैर पे आ गए। मालिक तेरे पैर पे झुके ना, अब तू इनके पैर पे झुक जा। मालिक अब वहीं पर रहिए, मैं आपके दूर से पैर छू लेता हूं। तुझे छूने का शौक है ना, तुझे छू मंदर करूंगा। छू टॉमी, जब मुझे लात पड़ी और मैं नीचे पड़ा हुआ था, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो दुष्ट पापी कौन था? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। उठा लो उठा लो। हेलो, हम त्रिची आ गए हैं। हाँ अभी पहुंचते हैं, चलिए चलिए। मालिक चलती बस में हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। बोलो अपना प्लान। त्रिची हम आ गए हैं, अब होटल खोलेंगे, उसके बाद आपका कन्यादान, फिर 10 महीने में एक चुन्नू मुन्नू, फिर 20 साल बाद चुन्नू मुन्नू की शादी। तो ये भी बता दो कि हम होने वाली होटल का नाम क्या रखेंगे? होटल माँ और क्या? होटल कम और अनाथाश्रम ज्यादा लग रहा है, दूसरा बोल। माँ का आशीर्वाद? बिल्कुल नहीं, माँ के लाडले। तो फिर आप ही कोई अच्छा नाम बता दो। तुम्ही बताओ। माँ बहन नाम अच्छा रहेगा, ये नाम सुन के माँ हो या बहन सभी खाना खाने के लिए आएंगी। ए माँ बहन। क्या रे, इतने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही? मैं यहाँ होटल खोलने आया हूँ, झोली खोल के भीख मांगने नहीं आया। कूल डाउन मालिक, हम होटल का नाम आपके पिता के नाम पे रखेंगे, होटल गौरवम एसी, जहाँ हर उम्र का इंसान
पेट पूजा करने आएगा। कैसा लगा संजय बंसाली? बताए तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे? कितना? अपनी हाइट से भी डबल। मालिक इसी बात पर एक एक चाय हो जाए। आइए मालिक। ये लीजिए 5 चाय और 1 दूध। अरे भाई साहब मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा? ठीक है मैं जाकर लेकर आता। ठीक है मालिक छुट्टी नहीं है मैं जाकर लेकर आता हूँ। आप बैठिए ना। छुट्टा नहीं है क्या? रुकिए मालिक। क्या हुआ? थोड़ा दूर बैठिए मालिक। क्यों भाई? आप ओनर हैं और हम नौकर हैं। ओनर की इज्जत तभी होगी जब वो दूर बैठेंगे। आप बैठिए ना मालिक। ए हड़वे। नहीं 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 बैठो बैठो। संजय कपूर हमेशा सही बोलता है। मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं अभी आया। मालिक का क्लास मुझे दे दो। भैया 500 के छुट्टे होंगे क्या? छुट्टा नहीं है। एक बार देखिए तो। अभी बोनी नहीं हुआ है। दीदी चाय वाले को छुट्टे देने हैं। 500 के छुट्टे मिलेंगे क्या? गजरा खरीदो मैं छुट्टा दे दूंगी। गजरों का मैं क्या करूंगा दीदी? तुम्हें छुट्टा दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी? ठीक है फंस गया हूँ तो क्या करूँ। 20 के गजरे दे दो। और अगर आपके पास गजरे खरीदने कोई सुंदर सी लड़की है तो गजरे उन्हीं को दे दो। ठीक है। अरे सुनो तुम्हारा जो गजरा था ना वो मैंने उस लड़की को दे दिया। सुंदर सी लड़की को देने कहा था। ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ही सुंदर है। ये लो। अरे पर ये किस लिए? चाय पी लेना। अरे भाई चलना लेट हो रहा है यार। मालिक मैंने कहा था ना आपको आप हमसे दूर रहिए। आप ओनर हैं हम नौकर हैं। संजय खान तुमसे दूर ठीक है लेकिन बाथरूम से कैसे? तो सुनिए उस वाले बाथरूम में जाइए ना। हाँ ठीक है जाता हूँ। अबे क्या देख रहे हैं घर पे बाप भाई नहीं है क्या? मालिक कितनी बार बोलूं हम लोगों से 2 कदम दूर रहा करो। आप हमारे मालिक हो हम आपके नौकर हैं। तो दूर रहना। थोड़ा रुक के जाना है। बस यहाँ से आएगी ना। अरे मालिक मरना चाहते हो क्या? तुम लोगों ने कहा 2 कदम दूर रहो तो दूर था मैं। दूर रहने के लिए कहा था टिकट कटाने के लिए नहीं। अरे टीसी पीछे तो। मालिक अगर आपको कुछ हो गया तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। ए ऑटो 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 रुक 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 रुक। ए रुक आप जाइए ना। ए? तुम नहीं आ रहे? जाइए जाइए हम आते हैं। साथ में चलते ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे दूर ही बैठूंगा। चलो। अरे मालिक ऑटो में जगह कम होती है। अगर मैं बैठ गया ना तो ऑटो फुल हो जाएगा। ऑटो फुल हो जाएगी तो काम करते हैं बस में चलते हैं ना। नहीं मालिक एक बार कहा ना मैंने आप ओनर हैं हम नौकर हैं। नहीं संजय कपूर बहस मत कीजिए ऑटो में बैठिए। वो क्या है ना हम सबको साथ में रहना चाहिए। ऑटो या एक बार बोलो समझ में नहीं आता है क्या? मालिक है तो कुछ भी करेगा। जलाता हूं मैं आपकी इज्जत करता हूं इसलिए निकल गया मुंह से। इतना प्रेशर में आपके नहीं बैठा। इमोशनल है बेचारा। चुपचाप ऑटो में बैठ नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। नीचे भाई सुनो इन्हें श्रीरंग चौक पे छोड़ देना। हां छोड़ दूंगा मालिक। सीधे होटल जाना और आराम से सो जाना। तब तक हम आ जाएंगे और फिर होटल की सारी डील फाइनल कर देंगे। ओके लेकिन वो पैसों का बैग मुझे। मालिक हम 5 लोग हैं बैग हमारे पास ज्यादा सेफ रहेगा। ए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। बैग दे दो मुझे उसमें पैसे। मालिक आपने कहा था ना कि रिक्शा वाले लूट लेते हैं इसलिए बैग हमारे पास ही रहने दीजिए। मैंने ऐसा कब कहा? उस दिन कहा था आज नहीं। चलो टेंशन को पेंशन दो और जाओ यहाँ से। अरे मालिक ये धूप का चश्मा आंखों पे पहन लो। मालिक पहनिए ना इसका दिल रह जाएगा। मालिक संभल के जाइए। भाई निकल लो मेरे पैसे लेते आना वरना। हाँ जाओ यहाँ से। बाय बाय चलो निकलो। पैसे चलो चलो बस आना। ए चल रहे। हाँ बोलो भाई। हफ्ता कर कर के महीना बीत गया लेकिन तेरा हफ्ता अभी तक नहीं आया टकले। भाई आप तो जानते हो धंधा एकदम मंदा पड़ा हुआ है। पैसे की बहुत मारा मारी है भाई। दिमाग की जलेबी मत बना चुपचाप पैसा दे दे। बस 2 दिन रुक जाओ भाई पैसे दे दूंगा। तीसरे दिन आकर लूंगा। अब आपको तकलीफ हो ये तो वो तो मैं भी नहीं चाहूंगा भाई। मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ भाई। हम होटल का नाम आपके पिता के नाम पे रखेंगे। होटल गौरवम एसी। मालिक की शादी पक्की हो गई है। अब मालिक को छोटा मालिक होगा और मैं उसके साथ कुछ को करूंगा। अबे टकले तुझे देखकर यहाँ के सारे कस्टमर सटक लें। क्या मतलब है तुम्हारा? ह्यूमर ह्यूमर। अच्छा अच्छा बैठ जाओ वहाँ पे। हाँ ठीक है।
ए छोटू, इस चुटकुले का ऑर्डर ले। क्या खाओगे? चार इडली, ऐसी इडली जो फूल से भी नरम हो, मन करे की प्लेट में रख के खाऊं और दिल करे इस सुंदरी के बालों में सजाऊं। दुविधा उत्पन्न होनी चाहिए। मिलेगी क्या? मिलेगी। और सुनो, कॉफी। कौन सी कॉफी चाहिए? नरम कॉफी, कटिंग की भी कटिंग कॉफी, ऐसा लगे किसी ने पी के दी हुई है। उसकी ग्लास में बची हुई है, वही पी लो। ए झिंगुर, बोल मत ज्यादा। इडली के साथ क्या फ्री देते हो? सांबर। अल्टरनेट, अल्टरनेट। चटनी नहीं है, ग्राइंडर खराब है। तो बैठ के खुद पीस के ले आ। चार इडली, चार विभिन्न प्रकार की चटनी। जा। ए टकले को क्या सिग्नल दे रहा है? बनिए की बनियान पहन के बन रहा है हीरो। तुझे तो स्पॉट बॉय बना के रखूंगा। जा। रुको 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 रुको, चलो चलो जल्दी करो, चल चल जल्दी कर। ए मुझे सीट मिल गई। क्या रे, दिखा नहीं है? ये क्या किया? सॉरी मजा। ये एनाकोंडा किस पे बैठ गया था? क्या कर रहे हैं? हमें सीरी चौक के 5 टिकट दो। बेटा यहाँ नए आए हो? हाँ अंकल। ये बस लंबा रूट लेके जाती है। अच्छा, अरे अब क्या करें? कंडक्टर साहब बस रोकिए। ए चल यार बहुत लेट हो गया, मालिक इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। ए रोको रोको, बस रोको। क्या यार अब फालतू में टाइम वेस्ट किया। देखा ना, मैं कह रहा था ये गलत बस है। ए, दूसरी बस पता नहीं कब आएगी, चढ़ जाओ। अबे रुक रे, ये उठ वहाँ से। ये बस तो घूम के जाने वाली थी, तू क्यों चढ़ा? मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। हम लोग यहाँ अपना बिजनेस जमाने आए हैं ना। कौन सा बिजनेस? होटल का बिजनेस यार। जब तक पूरे शहर को देख नहीं लेते, यहाँ के लोगों को जान नहीं लेते, तो बिजनेस हिट कैसे होगा यार? ठीक है, मैं बात करता हूँ। प्रॉमिस। भाई साहब एक मिनट सुनिए ना, क्या आप थोड़ी देर ये बैग पकड़ के बैठेंगे? सॉरी सर, मेरे पास पकड़ने वकड़ने के लिए टाइम नहीं है। जब मैं नीचे उतरूंगा आप बैग चेक करेंगे, फिर कहेंगे कि कुछ मिसिंग है। सॉरी। क्या कर रहा है यार, तुझसे एक बैग नहीं संभाला जाता। उल्लू कहीं पहले ले लेना था ना। क्या हुआ? प्लीज आप ये बैग पकड़ सकती है? मैं उतरूंगा तो ले लूंगा। चार इडली, चार तरह की चटनियां। ये चक्कर क्या है? और मालिक का अरे बाप रे। सोचते हैं ना क्या करना है। हाँ मालिक। संजय लीला, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ कहिए मालिक। तुम सब अभी कहाँ हो? बस थोड़ा लंबा रूट लेकर आ रही है, तो आप तब तक डोसा वोसा खाइए ना, हम बस पहुँच रहे हैं। ए, मालिक का डोसा खत्म होने से पहले वो बैग लाना होगा। नहीं मिला तो तब तक मालिक को पेट भरते रहना होगा। सर बिल, बिल वापस ले जा और मेरे लिए लिया एक डोसा। जाना। अरे बाप रे, मालिक का फोन। ला मुझे दे। अरे क्या कर रहा है मालिक? बैग। ए बिरयानी, काला भटूरा क्यों चिल्लाया? मालिक आपने दोबारा फोन क्यों किया? यहाँ डोसा नहीं है, पूरी भाजी और उपमा ही है। कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या मंगवाना चाहिए। छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हो, इससे तो अच्छा यही होगा कि आप टॉस कर लो। ये बता, कंफ्यूज होने पर टॉस करता हूँ ये तुझे कैसा पता? मैं तो आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। तो बताओ मैं क्या करूँ? टॉस करो ना मालिक। हेलो। टॉस करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे तो नहीं है। पूरी भाजी या उपमा?
मैंने तो सोचा था हेड आएगा, लेकिन इस जले हुए अंडे का हेड और जल जाएगा ये नहीं सोचा था। क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ पिंक ड्रेस में एक लड़की बैठी थी, मैंने उसे एक बैग दिया था, पर अब वो अरे वो लड़की तो दो स्टॉप पहले उतर गई। जाओ जाओ जल्दी जाओ, रोको उसे, जल्दी जाओ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। होटल बिल, लाइट का बिल और हॉस्पिटल का बिल कुल मिला के 4,000 रुपए। एक मिनट अभी आता हूँ। इधर इधर। अच्छा, टावर यहाँ खड़ा है। बिल भरा था? कल ही भरा है। हेलो, ये बिरयानी कहाँ मर गए तुम लोग? सिर्फ 4 इडली खाई और 4,000 का बिल आया। 4 इडली 4,000 रुपए में? कौन से ताजमहल में बैठ के खा रहे हो? इडली चांदी की थी या सोने की? अगर मैं 10 इडली खाता तो मुझे लोन लेना पड़ता। पहले ये बताओ तुम लोग कहाँ हो? अरे हम तो बस पहुँचने ही वाले हैं। आप कहाँ हो? देख लिया, आराम से सांसें फूल रही है। कल लौंडा मुझे दम दे रहा है। ए, होटल की और 2 लाइट बम की तरफ फोड़ डाल, सारा पैसा मैं चुका दूंगा। बिरयानी रुको। अरे मुझे किसी की आवाज मालिक जैसी लग रही है। मालिक ने कहा यही कहीं होंगे। साले पैसा क्या मैराथन की दौड़ के इनाम से दिलाएगा? तूने कल का लौंडा किसे बोला बे? पूरे 40 साल का हूँ मैं। क्या रे कमीने साले, इतना सब खाया उसका तो बिल चुका नहीं पाया, अब तो यहाँ से भागना चाहता है। चल तेरे को दिखाता हूँ मैं। मुफ्त की पेट पूजा करके हवा हवा ही हो रहा था, लेकिन चलो इसे, चल तुझे दिखाते। अबे हटा इस मानुस को, ये तो हम सबके बापू हैं। अबे मोटे रख उसे साइड में, एंटीक पीस नहीं है, कोई समझाओ इसे। इनको आखिरी बार सब लोग देख लो। चल हटा भी बापू, नाक बंद कर लो बस। बापू मिले अब वहाँ क्या खड़ा है, चल जल्दी। अबे अब क्या आरती उतारेगा, चलना। ए, उन्हें कहा था तेरे आदमी आने वाले हैं, चल बुला उनको, फोन लगा के बुला उनको। मेरे सामने से अभी निकले और संपर्क क्षेत्र से कहाँ जा रहा है? हम तेरी बातों में नहीं आने वाले हैं, चल जा अंदर, लेके चलो इसे अंदर। चल अंदर, चल नहीं तो सर फोड़ दूंगा। किस लड़की को ढूंढ रहे हो? उसका हुलिया तो बताओ हमें। वो जो लड़की है ना, वो बहुत सुंदर है, और उसकी आंखें है ना, आंखें वो। तू बैग ढूंढने निकला है लड़की को? अरे बीच में मत रोको यार, तुम अपना जारी रखो बेटा। वो जब दौड़ रही थी तो उसके पायल की आवाज ने दिल में दस्तक दे दी। आपने भी कहीं उसकी पायल की सुरीली आवाज को जरूर सुना होगा। बेटा मैं भले ही जन्म से अंधा हूँ, लेकिन तुमने जिस तरह से तारीफ की तो जरूर तो किसी चला ढोर से कम नहीं होगी। ठीक से पकड़। कौन हो तुम? ऊपर कैसे चढ़े? आप मुझे भूल गई, कल बस में मैंने आपको बैग दिया था, वो हाँ, वो मैं था। पर तुम यहाँ क्यों आए? आपने खाना खाया? हाँ? सीधे बैग के बारे में पूछ। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। आप इस ड्रेस में बिल्कुल परी जैसी लगती हो। अबे वो यूनिफॉर्म है, तारीफ करना छोड़ और बैग के बारे में पूछ। अबे जल्दी पूछना। अरे पूछ रहा हूँ ना, अभी अभी तो आए हैं, वो आपसे कुछ पूछना था। अबे पूछा क्या? भड़कना मत। आज सुबह बस में मैंने आपको एक बैग दिया था। हाँ दिया था। आपने नाजुक हाथों से पकड़ा था। आज के जाना बंद कर। वो जो बैग था ना, वो अब खो गया है। क्या कहीं खो गया? हाँ खो गया, और उसमें 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए? ये बताओ तुमने इस बात की पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कैसे करता? मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों? वो बैग मैंने थोड़ी चुराया। पता नहीं अब क्या होगा। तो चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। अबे देख बे। अबे देख के चलाना। अबे इनको तो ठीक से चलाना भी नहीं आता, सिग्नल हो गया फिर भी भगाई जा रहा है। आपने थाली क्यों वापस कर दी? तुम घर जाओ। इतनी दूर से आए हैं और अब मेरी बात सुनो, फिर कभी आ जाएंगे, इस वक्त तुम घर जाओ। ठीक है। हाँ। आ बोल। मामा भांजा पुराने हनुमान मंदिर में, मौका बहुत ही अच्छा है एक साथ खत्म करने का। क्या बोला?
नमस्ते, मैं राजा राम हूँ, मंदिर का केयर टेकर। क्या हो गया भाई? यहाँ एक कॉम्प्लेक्स खुलने वाला था, सुना है आप उसके खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। मैं अकेला नहीं था, इस इलाके के सारे लोगों ने मिलकर स्टे ऑर्डर लिया है। पार्किंग लॉट की प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ, वही वही, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपने घर और कॉम्प्लेक्स के पीछे की 5 एकड़ वाली जो जमीन है उसे बेच दें तो पार्किंग की प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी और लाल फीता भी हम आपसे कटवा लेंगे। अगर अपना रेट बता देते तो हम आगे बात कर लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उसे बेचना ही नहीं चाहता, वो पुश्तैनी जमीन है, हमारी यादें जुड़ी हैं उससे। संतान में मेरे सिर्फ एक बेटी है, जिससे भी उसकी शादी होगी ये सारी जायदाद उसकी होगी। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। वैसे आपकी बेटी दिखती कैसी है? ए, ये क्या बदतमीजी है? अंदर पूजा हो चुकी है, जल्दी वहाँ जाओ और प्रसाद लेकर निकल जाओ यहाँ से। तो हमें जानता नहीं है? इसमें जान पहचान की क्या जरूरत है, प्रसाद ही तो खाना है, हाथ धोकर खा लो, फर्श धोने में इतना टाइम लगता है। एक मिनट। हाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपने लिए नहीं तेरे लिए। कोई बात नहीं काशी, आज नहीं तो कल सालों को चीर डालेंगे। ठीक है चलो। क्या ये सच कह रही है संजय? हाँ सर, हम पांचों से वो बैग खो गया है। बैग एक था और तुम पांच थे, फिर भी बैग खो गया, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वैसे ये लड़की है कौन? ये वही है जिन्हें मैंने बस में बैग दिया था। बैग कैसे खो गया बसंती? उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो बैग उसका है, मुझे लगा वो इनके साथ है तो मैंने दे दिया। सर, बैग इनमें से ही किसी एक ने चुराया होगा। देखो तो, मुझे यही चोर लग रहा है। सर मैं एक जेंटलमैन हूँ। हर चोर यही बोलता है। अबे ओ सांभा, जरा जबान संभाल के बात किया कर, वरना जिंदगी भर हवलदार ही रह जाएगा। अब जाके इनकी कंप्लेन लिख। चल मेरे साथ। ए, सुन बे, क्या है? तू आया, खाना खाया, नुकसान किया, अब नींद ले रहा है, कौन है तू? मेरा नाम राम नरेश है और मेरे पिताश्री का नाम है राम श्रेष्ठ। अबे, जब मैं तुझे नहीं जानता तो तेरे बाप को कैसे जानूंगा? कहाँ का भूखा नंगा है तू, मुझे ये बता। जैसे चला था मुरारी हीरो बनने के लिए, वैसे ही नोटो भरा बैग लेके इस बड़े शहर में होटल बनाने चला था। मैं तुम्हारे जैसा ही शरीफ हूँ। बेवकूफ मत बना, तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं इस होटल में चूना लगाने के लिए, हमें उनसे निपटना आता है। तूने अभी अगर बिल नहीं भरा ना, यही तेरी चाय चटनी बना दूंगा। देख 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 देख, 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 देख फोन आया, देख लाउड स्पीकर पे बात करता हूँ, सुन लो। हेलो। ए बिरयानी, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। ठीक है तो कर लो मुझे फोन। हेलो, तूने उससे बात क्यों नहीं की? तू क्या कान के नीचे? तुम लोग चुप रहो, बात करने दो उसको। तू फोन लगा उनको। हेलो। हाँ मालिक बोलिए। बिरयानी, जब से त्रिची आए हैं संजय कपूर बात नहीं कर रहा, क्या बात है? मालिक को क्या है ना, वो किसी के साथ थोड़ा बिजी है। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम लोग कैसे किसके साथ बिजी हो गए हैं? आधे सेंटीमीटर का लौंडा मुझे ठोक रहा है, एक टकला है जो मेरे बाल खींच रहा है, इन्होंने घसीट घसीट के मुझे घसीटा राम बना दिया है। क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। नाश्ते के टाइम पे आया था नाश्ता करने के लिए, अब लंच टाइम हो गया है। अगर लंच टाइम हो गया है तो जल्दी से अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगवा लो मालिक। है और कितना खाऊं? फोन करके डिस्टर्ब मत करो। प्लीज फोन मत काट। क्या लंच करेगा? मेरा अंदाजा सही था, इसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये पूरा होटल साफ कर जाएगा और पैसा भी नहीं देगा। अबे टेंशन क्यों ले रहा है, इससे जूठे बर्तन और टॉयलेट भी साफ करवाएंगे। बस कर, ओवर एक्टिंग बंद कर, देखा इसे एक्टिंग भी आती है। बस कर यार, पगले रुलाएगा क्या? अबे रोना बंद कर, ओवर एक्टिंग की दुकान। 2 लाख रुपए? बैग खोया कैसे? हमने बस में वो बैग किसी लड़की को दे दिया था और उसी से वो खो गया। किसी अजनबी को ऐसे बैग देते हैं क्या बेटा? अगर मेरी बेटी ऐश्वर्या के पास होता तो कभी ना खोता। अब पापा, इन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है, अब ये यहाँ अजनबी हैं। अगर आज रात ये लोग यहाँ पर रहे तो। नहीं सर, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हम चले जाते हैं। कोई बात नहीं,
हमारी बेटी किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। पिछले ही हफ्ते इसने 4 बच्चों की मदद की थी। वो लोग भी होटल का बिजनेस करने आए थे। नहीं नहीं बेटा, तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। उन बेचारों की हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, हटे हाल भिखारियों जैसी। सर, ए? तुम तो उनसे काफी अच्छे हो। बेचारे जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वैसे तुम्हें भी भूख लग रही होगी, नाश्ता काफी है या पूरा खाना खाओगे? नहीं सर, अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद पूरा खाना खा लेंगे। दे दो ना। डालो डालो और डालो। तुम सबको खाना अच्छा लगा ना? हाँ। लगता है ऊपर वाले ने बैग जानबूझ के घुमाया ताकि आपके हाथों का खाना खाने मिले। क्यों बे? बहुत टेस्टी है। आप तुम्हारा बिस्तर ऊपर लगाया है, तुम चलो मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ओके? सर। हाँ बोलो। वो आपको बार बार सर सर कहना अजीब लगता है, मैं आपको क्या पुकारूं सर? एक रात के मेहमानों सुबह चले जाओगे, रात भर सो गए मुझे पुकारोगे? सर, एक रात के मेहमानों कल चले जाना। चलो सो जा। अबे भुखड़ शर्म कर ले। सर दाल ला ना। लक्ष्मी पूरी कढ़ाई रख दे उसके पास। हेलो बिरयानी, जल्दी से यहाँ का पता लिखो। मैं देने के लिए जेब में फूटी कौड़ी नहीं और हमेशा फोन पर लगा रहता है। चल चल सीधा खड़ा रहे, तेरे को बांधना है, समझा? एक 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 मिनट मुंह बंद, अपने आप को शाना समझ। मुझे यानी राम सुरेश के बेटे को हाथ लगाया कैडमियम झिंगुर, मेरे फोन को ग्राइंडर में डाल दिया, ग्राइंडर में डाल दिया। अरे जा का रहा है तू, मुझे कुत्ता बोलेगा, कुत्ता बोलेगा मुझे, कुत्ता बोलेगा। क्या हुआ रे, क्या हुआ? आपके जीते जिसने मुझे मारा। ए तेरा मालिक भी क्या कुत्तों से काम है, सारे कुत्तों को बुला। कुत्ता किसको बोलता है? इधर आना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब तो तू गया काम से, अभी दिखाता हूँ तुझे। मेरी पत्नी को छेड़ा, किसकी ऐसी हिम्मत? आप मालिक हो या हैवान, मेरी पत्नी की सारी खोल लानी है, आपको शर्म नहीं आती? साले नौकरों के मालिक को मारता है। क्या हुआ, तुम ऐसे किसी की भी सारी खोल दोगे? साड़ी खोलने का इल्जाम लगाता है, क्या अन्याय है? कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी बीवी को छेड़ा इसने। अबे छेड़ने लायक उसमें है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बीवी के पीछे मालिक से झगड़ा कर रहा है, मारता है उनको। ये सब इस कमीने की वजह से हो रहा है और तू मालिक से झगड़ा कर रहा है, चल इसे निपटते हैं। समझा? आज इसको नहीं छोड़ेंगे, अबे जा बाहर निकल, बाहर निकल बे। इस भुक्खड़ को तो देखो मालिक, एक तो पुराना बिल चुकाया नहीं, ऊपर से राशन का माल भी गटक रहा है। ए खाया माल थूक के बाहर कर, जल्दी जल्दी थूक। अबे इसने तुझे दो बार थूकने के लिए कहा, थूकता क्यों नहीं तू? ए थूकना। ए जल्दी उल्टी कर रहे। ए डांस करने के बाद थूकेगा? लगता है हम सबके पैर छू के हमसे अपने किए की माफी मांगना चाहता है। हाँ? ए भाभी वो दिखाने के लिए बोल रहा है। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तुझे हटने के लिए कह रहा है। अच्छा हटने के लिए? देखो देखो वो इशारा कर रहा है। मेरी तरफ इशारा ये क्यों कर रहा है, मेरा क्या देखना इसे? इसने पहले तुझे मारा था, इसलिए सबसे पहले तुझसे माफी मांगना चाहता है ये। ए तुझे माफ कर दिया चल, लेकिन ये मोमबत्ती लेकर क्यों आ रहा है? अरे इसे रात में कम दिखाई देता होगा। अबे चुप, ये उस पर हाथ रखकर माफी मांगेगा। अबे ओए उसे फेंक और आके मेरे तलवे चाट। देख मुर्गे ने भी बांग मार दी है, अच्छा मुहूर्त है, आके मेरे तलवे चाट, तुझे माफ कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। आजा आजा जल्दी आजा। मुझसे पंगा, राम सुरेश के बेटे से पंगा। मम्मी ये तो सुपर है, आपने बनाया? अरे नहीं, कल जो तेरे साथ लड़के आए थे ना, उसी में एक संजय था ना, उसने पुरानी चीजों को मिलाकर ये सब बनाया है। अच्छा? हाँ बेटा अंदर जाकर देख। ऐश्वर्या को मिलता है, कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जाता है, ऐश्वर्या को राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जाता है, ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या को। ओ मेरे कपूत बेटे यहाँ देख, तेरे पापों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। बाबू, डैडी, पिताश्री, ये क्या हो गया? बाबू, मैं जिनको गले लगा के रखता था उन्हें उन लोगों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। बापूजी, बापू। फादर, जिन लोगों ने आपको कचरे के डिब्बे पे विराजमान किया है, मेरा दिमाग कहता है वो आसपास ही है।
ए, जल्दी कर यार, पुलिस स्टेशन जाना है। बहुत टाइम लगाता है। ए, रुक जाओ, रुक 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 जाओ। आप हमको छोड़ के चले क्यों गए थे मालिक? मैं तुमको छोड़ के गया था। और क्या, ऐसा कोई करता है क्या? क्या आप बकवास कर रहा है? वैसे भी ये सही तो कह रहा है मालिक, हम पास तो कब से साथ में थे, आप ही हमको छोड़ के चले गए। बेहुदा बहाने बनाना बंद कर बिरयानी, पहले मेरे बापूजी की फोटो दो। मेरे बाबूजी की फोटो कहाँ है? मार मार के चटनी बनाऊंगा। वो गाना सुना है ना, बापूजी का फोटो लौटा वरना दिल टूट जाएगा मेरा। क्या है ना मालिक, त्रिची बहुत बड़ा शहर है तो इसने बापू को कहाँ रखा है इसे याद नहीं आ रहा। शाबाश बिरयानी, इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। देखो ये क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, अब याद आ गया ये कहाँ छोड़ा था? मेरे बापू कचरे के डिब्बे में थे जब मैं छोटा था, तब उन्होंने बचपन से मुझे तेरे जैसे काले सांपों से बचाकर बड़ा किया। ऐसे भले आदमी का तुमने ये हाल किया। कोई बात नहीं, मुझे पैसों का बैग। संजय कपूर, तू हीरो है, क्राउड में कहाँ जा रहा है? बाहर आ। क्राउड में नहीं, यहाँ खड़ा हो जा। मेरा पैसों से भरा बैग कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है बैग? अरे कोई तो बोलो, मुंह खोलो, मेरा बैग कहाँ है? मालिक मुझे लगता है हमें दिल्ली जाना चाहिए। पहले त्रिची ले आया, उसके बाद दिल्ली भगा के ले जाएगा। मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है क्या? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मेरे पैसे कहाँ है, पैसों का बैग कहाँ है बता? त्रिची आने के बाद मुझे फ्लैश बैक नहीं चाहिए, कैश बैक। मालिक आप बार बार सवाल जवाब करते रहोगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये ले पकड़। मैंने अब तक होटल नहीं बनाया और तुम लोगों ने यूनियन भी बना लिया। मोटे उठ, मदद तो करो। अब तक स्टाफ को आग नहीं लगाई और स्ट्राइक का नारा लगा लिया। संजय कपूर इधर देख, क्या हुआ, चोट लग गई? मुझे ये बताओ मेरा पैसों से भरा बैग कहाँ है? बाथरूम जाकर पानी लेके। रुक भटूरे, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, तो बाथरूम से पानी मांगा है? सुना नहीं संजय ने क्या बोला? चल जा भटूरे, रुक जा। अबे तू हमारी बात सुनेगा या मालिक की? चल जा यहाँ से। नहीं जाएगा, कोई भी नहीं हिलेगा। पैसों के बीच में पानी कहाँ से आया? इसको पानी लाने क्यों भेज रहे हो? पैसों का पानी कर दिया क्या? तेरे मेरे बीच में पानी क्यों? मालिक हम जो आपको बताएंगे ना, वो सुन के आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए पहले ही पानी का इंतजाम कर रहा हूँ ताकि आपको होश में ला सके। मैं तो अभी से बेहोश हो रहा हूँ, मेरे पैसों का बैग कहाँ गया? मालिक आपके पैसों का बैग खो गया। मालिक खो गया। खो गया? पैसे खो गए? मैं लट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पेट में दर्द। क्या बात है, पेट भी सही टाइम पे दर्द हुआ है मालिक। वो देखो बाथरूम वहाँ पर है, जाओ अंदर पानी भी है, जाओ जाकर खाली होकर आओ, तब तक हम टोकन लेते हैं। जल्दी से टोकन ले भाई, टोकन देना, जल्दी करने सारे दे दो। ये लो मालिक, मैंने मांगे पैसे, टिका दिया टोकन, पापियों। आइए मालिक, या ऑटो साथ में लेके जाओगे? धीरे, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरवाजा बंद कर सकते हैं ना? सी कड़ी तो लगा लेते। चल अगली बोगी पकड़। सुनो मालिक, के बाथरूम से बाहर निकलने से पहले बैग ढूंढना होगा। और नहीं ढूंढ पाए तो? जब तक नहीं ढूंढते वो बाथरूम से नहीं निकलेंगे। ये तो गलत बात है ना। अबे चुप कर सांड, एक दिन में तीन दिन का खाना खाया, डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। और क्या? और नहीं तो सही क्या? बोल रहा है, सही बोल रहा है। मेरा फोन किसका है? हेलो। हंस क्यों रही हो? मेरे सारे पुराने मेडल्स में तुमने नई जान डाल दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है ये सारे मेडल्स मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में जीते थे, और इन्हें आज देखकर मुझे बीते पलों की याद आ गई। थैंक्स। मेंशन नोट। तुम पुलिस स्टेशन गए थे? वहीं जा रहे हैं, कुछ देर पहले उन्होंने बुलाया था। ओके, मुझे बताना कि उन्होंने क्या कहा। अगर वो बैग नहीं मिला तो मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूंगी और हम साथ मिलके वो बैग ढूंढेंगे। आई एम देयर फॉर यू। ओके ओके, चलो चलो। आओ संजय। सर ये रहा तुम्हारा बैग, चेक कर लो। हमारा बैग? उस कालिया ने तुम्हारा बैग चुराया था। ओए जैकपॉट। यस प्रोसीड। चुप कर अंग्रेज की औलाद। थैंक यू सर। सर मैं इनको अच्छे से पहचानता हूँ, याद है? बस मैं पहचाना। हाँ, याद है, याद है। ए, तुमने तो बैग पकड़ने से मना किया था ना, तो फिर चुराया क्यों? सॉरी बॉस, वो चोरी क्या जो चोरी करके माल अंदर ना करे, चुराऊंगा नहीं तो नाम कैसे होगा। लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारे पास बैठे थे, बैग कब चुराया? तब जब गाने का अंतरा प्ले हो रहा था। डोंट टच। हे, एक और पते की बात बताऊं, इस माल में रहमान साहब का भी शेयर है। रहमान कौन? अरे वही, यू आर नॉट रहमान। वो बस मैं कब चला? आई टेल यू, तुम्हारा दोस्त उन्हीं के प्लेबैक पे प्लेबॉय बन रहा था ना, गाना बजा, इनके दिमाग का फ्यूज उड़ा और
फ्यूज उड़ने पे ही मैं बैग लेके उड़न शुरू बंद कर अपनी बकवास सॉरी सर देखो पैसे तो पूरे हैं ना मिस्टर हिपो 70 कम होंगे मैंने ऑपरेशन करा दिया कौन सा ऑपरेशन पे पिछवाड़े की पाइल्स का सर बस के सफर में मेरा पिछवाड़ा बहुत सफर कर चुका है कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया सिटी हॉस्पिटल के पिछवाड़े में तेरे बाप का पैसा था जो तूने ऑपरेशन करवाया अरे तुम में से किसी के बाप का होगा मेरे बाप का थोड़ी था सर पूरे पैसे नहीं मिले तो मालिक के पास कैसे जाएंगे सर एक्सक्यूज मी सर गिव मी 2+2 डेज की मोहलत मैं अपने पिछवाड़े का दम लगा के आपको इनको पूरा पैसा दे दूंगा चुप कर कमीने नो प्रॉब्लम नाइस मीटिंग यू हाथ दीजिए नहीं चाहिए बाय हिप्पो सी यू नेवर रुक 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 हमें तुझ पे भरोसा नहीं है हम तुझे नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसा नहीं मिलता मेरे घर रह ले अबे तेरा घर कहां है बे घर के पिछवाड़े में रहता कहां है पीछे से रस ले लेना ओ माय बस कम आई गो ए वेट ये तो निकल लिया संजय तुझे लगता है हमारा पैसा लौटाएगा पता नहीं हां हां दे देगा जैसे मालिक को हम पर भरोसा है हमें भी उस पर भरोसा करना पड़ेगा ये फोन देखना किसका है एक मिनट हेलो वो बैग मिला क्या नहीं बैग नहीं मिला तुम वहीं रुको मैं आती हूँ ए तूने उस लड़की से झूठ क्यों बोला कि तुझे बैग नहीं मिला मैं और क्या करता लड़की की वजह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ी मेरी छोड़ो यार तुम लोगों को कितनी तकलीफ हुई ये बेचारा कितना काला हो गया इसीलिए मैंने सोच लिया है कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस लड़की को मंदिर पार्क थिएटर होटल सारा का सारा त्रिची शहर नहीं घुमा देता आइसक्रीम नहीं खिला देता और लस्सी नहीं पिला देता अब चलो ना बदला लेना है मुझे तो ये कोई बदला नहीं लगता ये तो वही बात हुई मालिक का कैश और लड़की के साथ ऐश ऐसा ठीक है एक सवाल पूछता हूँ सच सच जवाब देना वो कौन सी चीज है जो जिंदगी भर हमारे साथ साथ चलती है और क्या हो सकती है चप्पल ए क्या बक रहा है ये पागल है क्या ए उसको छोड़ तू बता तू क्यों बदल गया यार मुझे ऐश्वर्या बहुत पसंद है हाँ मुझे तो पहले से ही शक था वहाँ बाथरूम में मालिक पसीने बहा रहे और तू यहाँ लड़की के सपने देख रहा है ए तू कलेजी बना के रख मैं अभी आया क्या तेरा पूरा होटल जला डाला अबे कौन है बे कितने लोग थे इधर से क्या एक झंडू बम ने पूरा होटल जला डाला उसकी तो उसका हुलिया तो बता अरे एक बार बता तो क्या बोला सफेद धोती सफेद कुर्ता घुंघराल बाल माथे पर टीका इसकी जात का इसी टाइप के एक आदमी पर अपनी भी हटे लिए घबरा मत आपुन देख लेगा सर चेन खुली है सर थैंक यू थैंक यू मेंशन नॉट सर अरे तो भाई एक कोल्ड ड्रिंक दो ना बहुत गर्मी है अरे आज का पेपर देना दिन दहाड़े आदमी की इज्जत लूट गई गॉड ब्लेस यू बॉस अरे बॉस और मैडम साथ साथ सॉरी मैडम मैंने ही आपका बैग चुराया था बॉस 70,000 मेरे पास अभी तो नहीं है पर मैं जल्दी चुका दूंगा जाना तुम्हें वो बैग मिल गया ना बॉस आपने मैडम को बताया नहीं बैग मिला या नहीं मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मिल गया ऐश्वर्या ऐश्वर्या अरे रुको रुको प्लीज हमारे दोस्त ने झूठ बोला तो क्या हो गया आपने भी तो अपने घर वालों से कहा कि आप स्कूल जा रही हो और झूठ बोल के यहाँ पे बैग ढूंढने के लिए आ गई तुम्हें लगता है कि मैं घर पर झूठ बोलकर बैग ढूंढने आई हूँ तो सुन लो हर कोई तुम्हारे दोस्त की तरह झूठा नहीं होता हमें लगा कि आप हमारी बात सुन के मान जाओगी क्यों मैं बेवकूफ हूँ जो भी बात है साफ साफ कहो दरअसल संजय आपको चाहता है क्या कहा हाँ वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है तुमने कहा था ना बैग ढूंढने में उसकी मदद करोगी उसने तुम्हारे लिए झूठ बोला था हम जब त्रिची आए थे तो संजय ने गजरे वाली से 500 का छुट्टा मांगा था उसके पास छुट्टा ना होने से संजय ने कहा कि ठीक है मैं गजरा खरीद लेता हूँ लेकिन ये गजरा तुम किसी सुंदर लड़की को दे देना और उसने वो तुम्हें दिया था हमारा संजय एक नंबर का पागल है उस गजरे वाली ने जरूर तुम्हें संजय के बारे में बताया होगा जरा फ्लैशबैक में जाओ ना क्या मालूम कौन लड़का था किसी सुंदर लड़की को फूल देने के लिए कहा था कौन था वो मुझे क्या पता एकदम खंबे जैसा लंबा था फ्लैशबैक खत्म बाप रे ट्रैफिक में जान बचा के भागना मुश्किल हो गया खाना किधर है कॉल बैग ये इडली डोसा है या स्मगलिंग का माल है तो क्या करूं चोरी करने का एक नया स्टाइल है चल चुपचाप खा ले और चटनी सांभर का है
साइड पॉकेट में। मैंने फर्स्ट क्लास चटनी। अरे पुलिस आ गई, भाग जल्दी। अरे ऐश्वर्या का फोन है। अरे बाप रे बॉस। हाँ क्या हुआ, क्या बात है? कहाँ हो तुम सब? जैकपॉट के घर पे, वही बैग चोर। तो सारे धोखेबाज एक साथ। छोड़ मुझे दे, तू छोड़ फोन मुझे दे। हाँ बोलो, फोन क्यों किया, क्या बात है? क्यों, मैं फोन नहीं कर सकती? मेरा बात करने का दिल किया तो मैंने कर लिया। बैटरी लो है, लो संजय से बात करो। नहीं नहीं रहने दो, मुझे उससे अकेले में मिलके बहुत सारी बातें करनी है। उससे कहना मैं उससे कल मिलूंगी। सही है। नमस्ते भाई। मैंने जो काम बोला था वो हो गया? हम उसी काम के लिए जा रहे हैं। ओनर से कुछ बात हुई क्या? उसने कहा था कि वो अपनी बेटी से बात करके बताएगा। बीजू और मैंने एक कमाल का प्लान बनाया भाई। जो भी मामला है जल्दी खत्म कर, कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मंदिर वाले मर गए क्या? अरे तुम फिर आ गए, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? बार बार चले आते हो, फोन करते हो, कितनी बार कहूं मैं जमीन नहीं बेचूंगा। अरे 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 अरे, अरे ये आदमी मेरी खोपड़ी में घुसता ही नहीं है। ना ही तुझे वो स्टे ऑर्डर वापस लेना है और ना ही ये प्रॉपर्टी बेचनी है। इसलिए हमने एक आइडिया निकाला है, अपनी बेटी की इस लौंडे से शादी करा दे, फिर जैसा तूने कहा तेरी सारी जायदाद इसकी। शादी करेगा ना? हाँ ये हो रही ना बात, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इसे प्रॉपर्टी कर लो बात। तूने ही कहा था ना तेरी बेटी से जो शादी करेगा सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। कहा था, लेकिन तुम लोग कौन हो? अपनी बेटी के लिए रिश्ता हम ढूंढ लेंगे। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। यार तेरा ससुर तो खाली पीली मचमच करता है, क्या कह रहा है? मैं मना कर रहा हूँ ना, निकालिए यहाँ से। जबरदस्ती है क्या? अपनी बेटी की शादी करेगा या नहीं? नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? साले की बेटी को उठाकर शादी करवा दो और फेंक दो मोहन भाई के पास सड़ने के लिए। ए, अभी क्या, अभी मुझे इसकी बेटी चाहिए यहाँ। चले क्या? ठीक है भाई। सब बता दूंगा तुझे। ये सब क्या है? आजा बेटा। भाई भाई मेरे को लड़की बहुत पसंद है। भाई भाई मेरे को लड़की जच गई। तूने इसे मारा क्यों भांजे? कब से इस लड़की पर मेरी नजर थी मामा, और आज ये मेरे सामने खड़ी है। ये सिर्फ मेरी है मम्मी। ये तू क्या कह रहा है? तो फिर मुंबई वाले रिश्ते का क्या? इसके आगे सब फेल है, शादी तो इसी से करूंगा। ए, खुद को क्या समझते हो? ये अभी पढ़ रही है और तुम लोग इससे शादी की बात कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। चुप हो जा। हम क्यों चुप रहे? मामा के सामने जबान लड़ाता है। मामा जी आप समझाइए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी बेटी की शादी इससे मैं करवा कर ही रहूंगा। दो दिन बाद सगाई होगी और उसके एक दिन बाद शादी। तेरे भगवान, चुप हो जाइए पापा, बस तेरा ही सहारा है। क्या हुआ? हेलो। नमस्ते सर, संजय बोल रहा हूँ। क्या संजय, तुम अभी तक गांव नहीं गए?
नहीं सर, दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम संजय? वो बैग खोने की कंप्लेन करने के लिए जब मैं आया था तो मेरे साथ एक लड़की थी ना, वो परेशानी में पड़ गई है। कौन कमीना परेशान कर रहा है उसे बताओ तो। मन्ना सर। क्या कहा? मैं जरा बाहर निकल के बात करता हूँ। तुम उस नामी गुंडे मन्ना की बात कर रहे हो? हाँ सर, बात यह है कि वो उस लड़की को शादी के लिए मजबूर कर रहा है। आपको कुछ करना होगा सर। लेकिन संजय, तुमने उसके साथ पंगा क्यों लिया? अगर हमने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देगा। तो अब हम क्या करें सर? उस लड़की की फैमिली टेंशन में है, वो उनकी इकलौती बेटी है, वो लोग डर गए हैं। सर आपको कुछ करना होगा। देखो मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी एक राज की बात बता रहा हूँ। मन्ना को सिर्फ एक आदमी संभाल सकता है और वो है काशी। मन्ना ने काशी के भाई को जान से मारा था और तभी से काशी उससे बदला लेने की फिराक में है। तुम जाकर उससे मदद मांगो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर मन्ना को पता चला कि तुम काशी के पास गए थे तो वो कुछ भी कर सकता है, संभल के रहना। काशी मुझे कहाँ मिलेगा? तुम यहीं रुको। क्या रे? काशी भाई से मिलना है। क्या बात क्या है? मन्ना का प्रॉब्लम है। वो यहाँ नहीं है, पुरानी फैक्ट्री पर मिलेंगे, वहां मिल लो। समझ गया, चलो। सुनिए काशी भाई, वो वहां ऊपर मिलेंगे। हाँ। आओ। भाई नमस्ते, मैं संजय। भाई ये है वो लड़का, मन्ना इसको तंग कर रहा है, आपकी मदद चाहता है ये। क्या बात है? वो मन्ना और उसके मामा इनके घर प्रॉपर्टी की बात करने के लिए आए थे। मन्ना इसे शादी करने की धमकी दे गया। इसे शादी नहीं करनी, पुलिस से भी बात की पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कुछ नहीं होगा। अब मन्ना के खौफ से इनका परिवार बहुत डरा हुआ है। मुझसे क्या चाहता है? इसे और इसके परिवार को कुछ ना हो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ आपसे, कुछ मदद कर दीजिए भाई। तुम दोनों नीचे रुको, मैं बुलाता हूँ। वहां जाके वेट करो, बुलाते हैं। चलो भाई, आपको कुछ करना चाहिए। ए सुन, भाई ने तुझे बुलाया। काम हो जाएगा। कहाँ रहती हो? तिलक नगर। सगाई का डेट क्या बताया? कल भाई। कल जब वो आए तो लड़की को लेके हमारे एरिया में आ जाना, हम संभाल लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू लड़की को भगाकर यहाँ लाएगा तो वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आएंगे, फिर मैं संभाल लूंगा। अब चल तू जा। ठीक है भाई, नमस्ते। डरा हुआ? अजी सुनते हो, घर तो बंद है। बॉस वो देखो भाग रही है। ए, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे, जाओ जल्दी भागो। संजय संभल के। चल 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 निकल, जल्दी कर, चल चल चल। ए, गाड़ी निकाल, चल जाओ। लड़की को ले गया, मामा लड़के के बारे में पता करो, मैं लड़की को लेके आता हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा ना तू झूठ बोल रहा है। एक बार बोला ना मैंने मर्डर नहीं किया है। मैं जानता हूँ तूने इसको मारा है। देख किसका फोन है। कुछ भी करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। भाई जैसा आपने कहा था, मैं लड़की को भगा लाया हूँ, मन्ना के आदमी पीछे। देखो भाई, पुलिस स्टेशन में कोई पुराना लोचा है, तुम कुछ भी करके मन्ना के आदमी को चकमा दे देना, हम वहाँ एक घंटे में पहुँच रहे हैं। बोलो मामा। भांजे वो लड़की एक बावर्ची के साथ भागी है। बावर्ची? हाँ भांजे, काशी और उस लौंडे ने प्लान बनाया था कि हम जब उनका पीछा करेंगे तब वो हमें अपने इलाके में बुला के टपका डालेंगे। अपने सारे आदमियों को जमा कर लो मामा, उस लड़के को मार के उस लड़की से आज ही शादी करूंगा। बहुत अच्छा है भांजे। देख पुलिस वाले भाई को इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, भाई ने बोला है कि तू भरोसा रख, हम सब संभाल लेंगे, अब फोन मत करना, ठीक है? हेलो भाई, हेलो। Oh, my God.
और काशी ने हमको टपकाने का प्लान बनाया था ना, साले हमसे शान पट्टी करता है। उसको फोन करो और तुरंत बुला इधर। चल फोन लगा, उसे तेरे साथ यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, बुला उसे। अबे फौरन बुलाता है कि नहीं? ए, मैंने बोला ना फोन मत करना, दिमाग हट गया क्या तेरा? भाई सुनो, काशी भाई से कहना अब उनकी जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं ही निपटूंगा। तुम लोग जल्दी आओ, ए चलो जल्दी आओ। और उसके आदमियों को पीट डाला। क्या बात कर रहा है? तुझ पे मैं बहुत सारे चार्जेस लगाऊंगा। सर, जो लिखना है लिख दो,
तूने जो कहा वो सच है ना? हाँ। एक कड़क चाय पिलाना। कोर्ट में एकदम डीलर है। कम नहीं है। चाय कड़क चाहिए तुमको? क्या धुलाई की है उन सब की? हॉस्पिटल में भर्ती है सब लोग। आगे की प्लानिंग करते हैं। पीटा और जबरन हमारी जमीन को हड़प लिया। उन्होंने एक गैर कानूनी वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है और हमारी सरकार से गुजारिश है। मन्ना तो बौखला गया होगा, गाड़ी में कोई हथियार है? आज कमिश्नर के ऑफिस जाना था ना, इसलिए कोई हथियार लेके नहीं आया। भाई कोई बात नहीं, हथियार रास्ते से उठा लेंगे। भाई साहब नमस्ते। जी नमस्ते। मैं राम नरेश हूँ, मेरे पिताजी का नाम मार नहीं राम सुरेश है। हाँ तो आपने कुछ लड़कों को देखा है? उनमें से एक बहुत लंबा, एक छोटा, एक मोटा और एक आधा पागल है। हाँ उन्हें देखा तो है, वो बस वहीं पास में रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ चले जाइए, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं, मार खाएंगे, लकड़ी से मारूंगा। अरे तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो, चलो काम करो। शहर में लकड़ी चोर बहुत है। लकड़ियाँ तो तूने दे दी, लेकिन उसके पैसे कौन देगा? मैंने लड़की नहीं, तो मतलब पैसे लकड़ी निकाल, उसके बाद जाना। वो चल। तू असली शेर है, तूने उसे कुत्ते की तरह मारा। अफसोस मैं नहीं देख पाया, पर ये मामला यही खत्म नहीं होगा। ये तो शुरुआत है, वो तेरी पूरी कुंडली निकालेगा। संभल के रहना, सब साथ में रहना, जो भी करो होशियारी से। एक बात तो पक्की है, वो आएगा जरूर, और जब वो आएगा तो जा नहीं पाएगा। ये तेरा दोस्त काशी तेरे साथ होगा, समझा? ठीक है भाई, मैं समझ गया। ए, बॉस की लड़के के साथ मांडोली हो गई है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फेंक दे इसको। फेंकना, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तो भाई बिना पूछे ले जाते हैं, बिना पूछे मार देते हैं, कैसा मुझे शेर? मेरी लकड़ियां मिल गई, अब तो जा सकता है। सो अब इन्हें कैसा लग रहे हैं? और कैसा लगेगा यहाँ पर लेटकर? देखते नहीं भांजे की हालत कितनी खराब है? आप बस यही पूछने आए यहाँ पर? आप प्लीज शांत हो जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट सब संभाल लेगा। भाड़ में गई पुलिस, उसे तो मैं ही टपकाऊंगा। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि हमारे भांजे पर हाथ उठाए? यहाँ तो सिर्फ उसने हाथ उठाया है, लेकिन मदुरई में 3 खून करने के बाद वो हवाला से भाग कर आया, और जिसको उसने मारा वो मामूली आदमी नहीं थे। ये कपड़े क्यों पहने? हम एक देश के हैं। मतलब? फैंसी ड्रेस अंकल। वो तो पता है, लेकिन यहाँ क्यों खड़े हो? स्कूल वैन खराब हो गई, इसलिए हम यहाँ टाइम का टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है चलो, तुम्हें बाइक पे छोड़ देता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं गांधी जी? आपने बाइक कहा था, पर ये तो मोपेड है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। ए चंदू, ज्यादा नाटक मत कर। चलो चलो स्कूल छोड़ देता हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पापा लगते हैं, फिर तुम हमारे पापा क्यों बन रहे हो? भैया ये लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते, आप प्लीज यहाँ से चलो। तुमने बिल्कुल सही कहा मीरा, रहो खड़े ऐसे। इनकी बस नहीं चलेगी, हम पहले पहुँच जाएंगे। मीरा आज फैंसी ड्रेस में तुम्हें डॉक्टर बनना है। मैंने परी की ड्रेस लाने को कहा था ना आपसे। तुम चाहे कुछ भी पहन लो, परी जैसी लगती हो। पता है भैया ने तुम्हारे लिए डॉक्टर की ड्रेस क्यों लाई है? क्यों? बोलूंगा तो हंसोगी नहीं ना? बोलो ना। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। देखा तुम हंसने लगी ना? सच्ची में? हाँ बाबा, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, इसीलिए तुम्हारे लिए ये कोट लाया हूँ ताकि तुम डॉक्टर बनो। ठीक है ना? ठीक है। और मुझे है ना एम्बुलेंस के ड्राइवर की नौकरी मिलेगी, अगर तुम डॉक्टर बनी तो एक ही हॉस्पिटल में काम करेंगे। ओके भैया, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। ठीक है, ये लो जल्दी जाओ। आप जल्दी काम पर लग जाओ, आप ड्राइवर बनना, मैं डॉक्टर बनूंगी, अब मैं जाऊं। ओके, ये लो तुम्हारा टिफिन। ओके बाय 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 बाय। बाय।
या तो तुम अपना भाई बदल दो या तो उससे कहो कि अपनी बाइक बदल ले। सॉरी टीचर, भैया को जैसे ही नौकरी लगेगी वो बाइक ले लेंगे। कोई बात नहीं मीरा, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब क्लास में। सर। हाँ संजय बोलो। क्या बोलूँ सर, आप मेरा काम नहीं करते। ड्राइवर की नौकरी दिलाने में कितना वक्त लगेगा? क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता मुश्किल है? क्या है? इस नौकरी के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। तुम एक काम करो, किसी की सिफारिश लेके आ जाओ। सिफारिश लाऊं? मैं किसकी सिफारिश लाऊं सर? अरे किसी की भी ले आओ, चलेगी। किसकी लाऊं? गीता दीदी, कैसी हैं आप? आप ठीक हो बेटा? अरे संजय, तुम इसे जानते हो? पहली बार नौकरी के लिए आया था, तब ये चेकअप के लिए आई थी। इन्हें बच्चा भी हो गया। सर कुछ कीजिए ना सर। जल्दबाजी मत करो संजय। कितनी देर इंतजार करूं सर, कोई चक्कर चलाइए ना प्लीज। देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जैसे ही तुम्हारी नौकरी फिक्स हो जाएगी मैं तुम्हें ईमेल करके बता दूंगा। क्या करेंगे? घर में कंप्यूटर है ना? नहीं सर, मेरे घर में तो सिर्फ बर्तन है। अच्छा ठीक है, मैं अंदर से बात करके आता हूँ, यहीं रुकना। ये कौन है? अरे ये मोहन मट्टू है, जेके शोरूम इन्हीं का तो है। अब यहाँ क्यों आए? भाई साहब, भाभी जी, भाई साहब, ये कैसे हुआ? इन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी का बुरा नहीं किया। शांत हो जाइए, ये ठीक सब हो जाएंगे ना भाई? आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स हैं ना, सब संभाल लेंगे। हम लोग भी हैं ना यहाँ पर, आप कोई तकलीफ नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे। क्या रे, इलेक्शन में खड़ा होगा तू, वो भी मेरे बेटे के खिलाफ। याद रखना, इस इलेक्शन में मेरा बेटा ही खड़ा होगा। तेरा ये अंजाम उसके खिलाफ खड़े होने की वजह से हुआ है। तेरे और मौत के बीच बहुत कम फासला है, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे मरने के बाद तेरी बीवी तेरी कुर्सी पर बैठ जाएगी। इसीलिए साले तुझे मैंने तोड़ने के लिए बोला था, टपकाने के लिए नहीं। फिर से पॉलिटिक्स का नाम लिया तो तेरे मरने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, तेरी बीवी के बेवा होने की खबर न्यूज में आएगी, नेशनल न्यूज। चिंता मत करो भाई साहब, है ना? फिकर मत कीजिए, मैंने इनको समझा दिया। नमस्कार, अब हम चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं, ख्याल रखना। विजय जरा कार्तिक को फोन लगाओ, मैं फोन करूंगा तो उठाएगा नहीं। हेलो, तुम कौन बोल रही हो? अंकल मैं कार्तिक की क्लासमेट हूँ, चंदा। चलो कार्तिक को फोन दो। बोल रही है क्लासमेट है तो रूममेट। आज रात क्लास में मिला। तेरी एमएलए की सीट कंफर्म हो गई है। थैंक्स पॉप्स। ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए, समझ गया? ठीक है पिताजी। एमएलए सीट कंफर्म हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था। अब तो इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए। ए, मैं भी पॉलिटिक्स जानती हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में तो पता नहीं, पर तू बैड ट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से जानती है। अरे तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल वैन अब तक ठीक नहीं हुई, प्लीज हमें लिफ्ट दोगे क्या? अच्छा गांधी जी, तुम्हें प्राइज मिलाया नहीं? ये देश गांधी को भुला चुका है। उसकी वजह? क्या कलयुग आ गया है, आज प्राइस चोर को मिला है। ए, ये चोर इसलिए बना ताकि स्टूडेंट्स को चोरी ना करने के बारे में सिखाए, लेकिन तू तो असली चोर है, किसी के भी भेस में आए जीतेगा नहीं। मैंने सही कहा है ना? सही कहा। हाय, ऊपर वाले की लाठी में वो ताकत। मेरे आगे का डायलॉग क्या था? ये लकड़ी लाना, ये ले। शहंशाह बनाया और डायलॉग नहीं आते। लिफ्ट दो ना, पॉटी आई है, प्लीज लिफ्ट दो ना। गांधी जी तशरीफ उतारिए, आपका घर आ गया। देश ही मेरा घर है। इतना नाटक करके पेट नहीं भरा, चल अब चुपचाप घर जा। बाय। शहंशाह जी आपका घर आ गया, उतरिए। थैंक यू। बाय। थैंक्स बेटा। नो प्रॉब्लम। बाय बाय। चलो चलो जल्दी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हमारी नौकरी का कुछ हुआ या नहीं? बात चल रही है सर। बात
के चलने से कुछ नहीं होता, उनसे पूछो नौकरी कब मिलेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, स्टाफ के एक आदमी से बात भी हो रही है, उसने भरोसा दिलाया कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस बार लगता है कि नौकरी जरूर मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो ऑप्शन है मेरे पास। कैसा ऑप्शन? मैं एक एप्लीकेशन भरूंगा और अनाथालय रहने आ जाऊंगा। इतने लंबे चौड़े आदमी को देखकर बच्चे डर जाएंगे। हाँ पर एक आइडिया है, अपने हाथ पैर बांधकर वहाँ जाकर बैठ जाओ, कोई तो तुम्हें गोद ले ही जाएगा। ये अलग बात है, बाद में बहुत पछताएगा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। प्रार्थना करने वाले बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं मैं नहीं जानता, मगर मीरा को जानता हूँ, वो अपनी हर प्रार्थना में भगवान से तुम्हारे लिए नौकरी ही मांगती है बेटा। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी सर। चल गुड। ठीक है, मैं तुम्हें और डॉल्स दूंगी, तुम मेरे साथ घर चलोगी? नहीं चलूंगी। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना? नहीं हो तुम। मेरे साथ चलो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, मीरा के अलावा आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। पर बात क्या है? यहाँ किसी भी बच्चे को अपना कहने वाला कोई नहीं है, मगर मीरा को अपना कहने वाला है। उसका नाम है संजय, शायद आप भी उसे जानते हैं। पिछले साल की बात है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बैंक है जहाँ पर एक गैंग ने डाका डालने की कोशिश की थी। किस्मत के भी खेल निराले हैं, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जान पे खेल कर डाके को नाकाम कर दिया, रुपयों के चक्कर में वो घायल हो गया। मीरा उसी की बेटी है। उस बैंक में जिनके लाखों रुपए जमा थे वो थैंक्स कह के चले गए, मगर संजय जिसके सिर्फ 10,000 जमा थे वो सिक्योरिटी गार्ड को देखने हॉस्पिटल जाया करता था। सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे सभी रिश्तेदार जाने लगे। मीरा की जिम्मेदारी लेने से हर रिश्तेदार बचने लगा। एक रिश्तेदार ने तरस खाकर मीरा को यहाँ अनाथालय में हमारे पास छोड़ दिया, मगर संजय बाप के सदमे में डूबी मीरा को बहलाने के लिए यहाँ भी आता। लो खाओ 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 ना, खाओगी तभी तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो प्रार्थना कर पाओगी, और प्रार्थना सीधे तुम्हारे बाबा तक जाएगी। अब खाओ। खाओ 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 खाओ। भैया भैया देखो ना, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये गाड़ी तुम्हारे बाबा को लाने जा रही है। अब चलो, अब देर हो रही है। मीरा की जिंदगी में संजय के आया, वो अपने पिता को 6 महीने में भूल गई। संजय को बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार है, उसके बाद वो मीरा को यहाँ से ले जाएगा। हमारी शादी को 8 साल हो गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, बस तभी से हम लोग अनाथ आश्रम के चक्कर काट रहे हैं। संजय वाकई महान है, मीरा के अनाथ होने का पता चलते ही उसने उसे अपना बना लिया। वैसे उसके नौकरी की बात कहाँ चल रही है? यही पास में मीनाक्षी हॉस्पिटल में ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है उसने। हेलो भैया। तुम्हारे भैया को नौकरी मिल गई। वाह ये। अब हम हमारे लिए एक सुंदर सा घर ढूंढेंगे। अरे मीरा, कल सुबह 8 बजे की ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल पहुंचना है, तुम सुबह अपने आप चली जाओगी? बस सुबह, शाम को मैं लेने आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं टीचर के साथ बाइक पे चली जाऊंगी। ओके, ओके मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय भैया।
क्या बुमबाट माल है यार, क्या बोलता है उठा लें? पेट्रोल बाद में डालेंगे, पहले इस लौंडिया का पीछा करते हैं। मैं जैसी चाहता था वैसी नौकरी आपने दिलाई, अब बस मेरा साथ दीजिए। गुड मॉर्निंग। ये तो किसी बच्चे को पिकअप कर रही है। तो क्या हुआ, तू बस पीछा कर, संभल के बैठ। अरे इसको उठाओ पहले। चल उठाओ उसको, हॉस्पिटल लेकर चल, जल्दी कर। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, आइए। चलिए चलिए जल्दी चलिए, आइए आराम से। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, अंदर बैठिए। चलिए चलिए सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत, चलिए। ए चल 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 जल्दी चल। मेरा मेरा सरकारी है, इसको बाहर फेंक रहे। अपना ये एक्सीडेंट वाला फंदा कभी भी फेल नहीं होता है। जाओ देखो। चंद्रू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्या हुआ? मीरा मीरा मीरा, ये क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो मीरा, मीरा मीरा मीरा, क्या हो गया मीरा को, कैसे हो? क्या क्या हो? अरे यार जरा इसको देखना, क्या माल है, एकदम चिकनी लगती है। मस्त है यार। कौन है ये? बहन है? दोस्त है। बोलना। अरे बोलना, बोलते क्यों नहीं? मेरी मेरी स्टूडेंट है। बुला इसको इधर, ये आ जाएगी ना तो तू चली जाना। चल बुला उसको। बुलाती कि नहीं? अंकल ये सेकंड क्रॉस स्ट्रीट किस तरफ है? यहाँ से आगे जाके दाएं मुड़ जाओ। थैंक यू। अंदर आओ ना। तू कौन है बे? ए, लड़की को छोड़ो, निकल यहां से। ये करने की क्या जरूरत थी? बॉस जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। बात क्या है? अरे
मीरा डॉक्टर बने और उसकी देखभाल के लिए मेरे पास पैसे हो, इसीलिए वो ड्राइवर की नौकरी की। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि नौकरी के पहले दिन ही जेल जाना पड़ेगा। गलती उनकी थी और उनकी ओर से किसी ने गवाही नहीं दी, इसीलिए मुझे सिर्फ कुछ ही साल की सजा हुई। जेल में एक बुजुर्ग कैदी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। प्रताप और इन बाकी सबसे मेरी मुलाकात जेल से छूटने के बाद हुई। इनके साथ मिलकर केटरिंग का बिजनेस शुरू किया। यहां एक नई जिंदगी की तलाश में आया था। आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर हुई तो उसका सामना मैं करूंगा। हाँ संजय। हाँ भाई। मदुराई के मोहन ने काशी को मार डाला। क्या कह रहे हैं आप? हाँ संजय, काशी ने कहा था कि वो तेरी मदद करेंगे, इसलिए उसने उसे मार डाला। कहाँ, कब? उसी जगह जहाँ तूने मन्ना को पीटा था, ठीक वहीं पर उसने काशी को खत्म कर दिया। किधर है वो? कौन? तू जानता है मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, तो ये भी जानता है मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ। बताओ कहाँ है, बोल बे। नहीं बताऊंगा। जिस दिन उसने मन्ना को मारा, उस दिन से वो मेरा आदमी बन गया। मोहन को मना करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। थैंक्स। सिर्फ मेरा ही नहीं, मोहन अब हर उस इंसान का दुश्मन है जो मुझे जानता नहीं। संजय, आज हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगले ही हफ्ते ऐश्वर्या के एग्जाम्स हैं। ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा मजबूर सा हूँ। नहीं सर, मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान पहुँचे। बस कुछ दिनों के लिए इस शहर से दूर रहिए और... बेटा, तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं आंटी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे। आप ही लोग जाइए, ट्रेन का वक्त हो गया सर। ठीक है बेटा। तुम अपना एग्जाम नहीं दे पाई इसलिए दुखी होगी, अगले साल कोशिश करना। हिम्मत मत हारना ऐश्वर्या, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। यहाँ सब शांत हो जाए तो तुम्हें वापस बुला लूंगा। कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? मेरे घर में तुमने पेट भर के खाना खाया, अब मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, मुझसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। खाना खाओगी क्या? हाँ, जाओ जाकर खाना बनाओ। तुम सब यहाँ क्या खड़े हो? जाकर मेरी बुक्स लाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या हुआ, सुना नहीं? मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। स्टेशन से इसने फोन किया कि मुझे ले आओ, तो मैं ले आया। मैं तो उसे यरवाड़ा जेल में ही खत्म कर देता, लेकिन साला बच के निकल गया।
इससे पहले कि वो यहाँ से बच के निकले मुझे वो कुत्ता संजय चाहिए। आप फिक्र मत करो भाई, वो बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। जिंदा या मुर्दा मैं उसे आपके सामने ले आऊंगा। सिर्फ बातें नहीं मन्ना, करके दिखा। फिक्र मत करो मोहन भाई, जब हम उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर गए तब उसके माँ बाप ने बताया कि वो साली पढ़ाई कर रही है। मैंने उसके आस पास के लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि पढ़ाई में एवन, मतलब कि वो पूरे स्टेट में टॉप करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सके। ये साला डॉक्टर बनना भी कोई काम होता है? लेकिन एक बात पक्की है भाई, हमें उसकी पढ़ाई पूरी करानी है। हाँ। ये क्या बोल रहे हो मामा? डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था उसने, चाहे कुछ भी हो जाए भांजे वो एग्जाम देने जरूर आएगी। वो आएगी तो वो भी आएगा, और वो आएगा तो खत्म। तो भाई इन दोनों की शादी करवा के आशीर्वाद दे के फिर जाना आप यहाँ से। फिर मिलेंगे। मैं तुझे कॉम्प्लेक्स के पार्किंग का ठेका देने की सोच रहा था, लेकिन जैसा तू बोल रहा वैसा हो गया तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही दे दूंगा। मामा मैं भाई को छोड़ के आता हूँ। ऐ उसकी फोटो अपने अपने मोबाइल में डाल लो और धर दबोचो उसे। भाई क्या बड़े भाई आपको सच में कॉम्प्लेक्स देंगे? चुप कर बॉस। भाई बोले अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो वो कॉम्प्लेक्स भी हाथ से निकल जाएगा। दैट इज इजी मैन। भाई लड़की को हम लाते हैं। सुना ना मोहन भाई ने क्या कहा था? हाँ बिल्कुल। हाँ लड़की को उठाना है, जाओ। बेटा अब तो ये कॉम्प्लेक्स तेरा है पक्का, अब तो तू साहब बन गया। मेरे को बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए। सपनों में जो आए दिन रात जगाए, बोलो तुम लोग के पास उसका एड्रेस है क्या? नहीं तो लेके आओ। चुप कर साले, तब देखो बकवास करता रहता है। एंजॉय। नंदू देख सारी लड़कियां बाहर निकल रही हैं, तू नजर रखना वो जाने ना पाए। ओके भाई इनमें से देख लो। अभी गाना क्यों गा रहा? अपना भाड़ा पड़े। अरे छबरी कोई शक ना करे इसलिए गा रहा हूं गाना। टपोरी कहीं का हेलो भाई, ज्यादातर लड़कियां एग्जाम के लिए अंदर स्कूल में जा चुकी हैं, लेकिन वो लौंडा और लड़की अभी तक नहीं आई। हाँ ओके ओके भाई, हम लोग उसको लेके आएंगे। साला इतनी दूर से उस लड़की के लिए अपन यहाँ आया, अब तो उसको उठाया बिना यहाँ से जाएगा नहीं। आज अगर उसको नहीं उठाया तो अपनी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं स्टूडेंट बनके स्कूल के अंदर जाऊंगा और उसके दोस्तों से मिलूंगा और सारी डिटेल्स लेके वापस आऊंगा, क्या बोलते हो? ये साला कहाँ से स्टूडेंट लगता है? अरे भाई कभी इसके बाप ने भी इंग्लिश बोली है? ये तो साला स्कूल के पिछवाड़े गया था। सही बोला ना? अरे टाइलर हेलो हेलो मिस, मुझे टाई बांधना नहीं आता, प्लीज बांधो। ओके वी विल डू दैट। सर गुड मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, कुछ तो बोलो। सर मुझे एक्चुअली पता चला कि ऐश्वर्या कम फॉर एग्जाम देने, सो आई वांट मीट बट आई नो कम सर। बड़ा खुश लग रहा है, लगता है अपनी बात बन गई। एनी प्रॉब्लम? आखिर कौन थे वो लड़के, कहां से आए थे? बेचारी ऐश्वर्या को तंग करने यहां क्यों आए थे? अगर किसी ने उसे और तंग किया तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, बता दे रहा हूँ, चुन चुन के मारूंगा। ये तो यहाँ पे ऐसे चिल्ला रहा है जैसे यहाँ का गब्बर है। वक्त खराब है बेटा, क्योंकि गब्बर अब माँ बाप बच्चियों को स्कूल भेजते हैं और वो लोग उन्हें छेड़ते हैं। तो जा। सॉरी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए धीरे बोलता हूँ। ये धीरे है? तुम ऐश्वर्या को कैसे जानते हो? तुम्हारी बहन है क्या? सर ऐशु मेरी क्लासमेट है सर। फिफ्थ से केजी तक हम साथ में थे सर, और उसके आगे भी रहेंगे। कहाँ पे? ऊटी में। ऊटी में पीछे मेरे दोस्त भी हैं। ओहो गुड मॉर्निंग सर। ये सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं। हाँ सर। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम अफ्रीका के किसी स्कूल से पढ़कर आए हो। ए वॉचमैन वॉचमैन पकड़ो इसको, वॉचमैन वॉचमैन का पकड़ो इसे, जल्दी जल्दी पकड़ो इसे, बच्चे जाने का मारो। कमीने ने फिर गड़बड़ कर। अरे भाई ये कमीना जिधर जाता है ऐसे ही करता है। फिर से इंग्लिश बोल रहा था, रोकना मत गाड़ी को, पिटने दे साले को। ये हर बार यही करता है, हमेशा काम बिगाड़ देता है। मेरी मां छोड़ इसको यहीं पे, हम चलते हैं भाई के पास। मुझे बचाओ। ए रुको सुनिना, तूने इसकी इंग्लिश
ये साला पागल का बच्चा है। ए पागल है वो, चल चलता रहे, चल यहाँ से, चल दूर गाड़ी। भाई वो कॉम्प्लेक्स के बारे में जरा। भाई वो लड़की एग्जाम देने आई नहीं, वो बावर्ची कमीना अगर आया होता तो उसकी हड्डी पसली एक कर देते। मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा, वो बिल्कुल नहीं आई। भाई तेरी शर्ट कैसे फटी? स्कूल में थोड़ा राड़ा हो गया था इसलिए फट गई। क्या कहा? नहीं वो जाने दीजिए, बात ये लड़की एग्जाम देने आई नहीं। तुम लोग किसी काम करें, वो एग्जाम देने गई थी लेकिन किसी दूसरे स्कूल में। दूसरे ये स्कूल कैसे में? हो गया? आप खुद ये पेपर देखो मामा। ए पढ़ी से लकीर के फकीर। इंग्लिश में तो आराम से पढ़ी। तू क्या? ओ हाँ बोलिए ना भाई। क्या चल रहा है मन्ना? हमें उसके स्कूल का पता चल गया है, कल वो दोनों हमारे कब्जे में होंगे। अगर कल काम नहीं हुआ तो? कल हो जाएगा, जितनी बेचैनी आपको है उतनी मुझे भी। याद रख मेरे मदुरई जाने से पहले वो मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। उसे मार कर ही आपके सामने लाऊंगा। मामा मैं उस लड़की के साथ शादी के फेरे लूंगा, उस लड़के की चिता जलाकर। तू फिक्र मत कर भांजे। ए हाँ भाई, तुम लोग अब समझ गए ना वो लड़की कौन से स्कूल में जाने वाली है? सेंट जॉन स्कूल भाई। हाँ कल वहाँ जाके लड़के का उठा लाना। ओके भाई। भाई आपका छोटा भाई उस लड़की को ऑटो में डाल के खुद लेके आएगा, आशीर्वाद दीजिए। कॉम्प्लेक्स आपको पक्का मिलेगा भाई, कंफर्म। छोटे भाई अपने सेल से एक फोटो ले, कॉम्प्लेक्स में लगा देंगे। कल लड़की को ले क्या? भाई लड़की हम लाएंगे, कॉम्प्लेक्स आपको दिलाएंगे। कम ऑन गाइस, चलो निकाल निकाल। पांजे घबराने का नहीं, मेरे लौंडे एकदम स्पीड में जाएंगे, लड़की को उठा के लाएंगे, फिर तेरी शादी होगी और वो कॉम्प्लेक्स मेरा होगा। मामा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब भाई हम सेंट जॉन स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, वो लड़की तो आई नहीं। अबे अच्छे से देख भाई, पिछले एक घंटे से स्कूल के बाहर खड़े हैं, हर तरफ देख लिया, वो तो है ही नहीं। अबे क्या बक रहा है? हाँ भाई अब तो डाउट होने लग गया है कि वो शहर में है भी या नहीं। हा? और नहीं तो क्या भाई? हाँ ठीक है चल, तू फोन रख, दूसरी लाइन पे नंदू का फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। नंदू ये लाली अभी क्या बक रहा था? वो बोला वो लड़का और लड़की स्कूल आए नहीं। नहीं आए तो आ जाएगा भाई, आप तो जानते हैं कि नंदू से बचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। जहाँ है हम वहाँ कोई नहीं है गम, डोंट वरी भाई। जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता हम एक घूंट पानी तक नहीं पिएंगे। पानी का एक घूंट नहीं पिएगा लेकिन मुर्गी की टांग जरूर चबाएगा। भाई मैंने इसको बोला था पहले लड़की ढूंढते हैं बाद में कुछ खाते पीते, पर ये सुना ही नहीं। बॉस यही बोला, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा और हमें यहाँ ले आया। बोल बेटा कैसा लग रहा है, रंगड़ी कबाब बाहर निकालूं क्या? बोल बोल, उल्लू का बट्टा रंगड़ी कबाब खाया, बेशरम करेगा, निकल गलत दबा दूंगा तेरा। हाँ बोल क्या हुआ? वो लड़की रोज एग्जाम देने जा तो रही है लेकिन किस स्कूल में जा रही है ये पता नहीं लग रहा। मैंने पता किया है, वो हमारे डर से पुलिस के पास तो नहीं गई। उस लड़की के स्कूल के प्रिंसिपल ने एक स्पेशल ऑफिसर को बुला के उनसे परमिशन दिलवाई है कि वो अलग अलग स्कूल में जाकर अपना एग्जाम दे सके। समझ में नहीं आता कि ये आखिर। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर एक स्कूल के बाहर पता नहीं चलता तो सारे स्कूल के बाहर आदमी खड़े कर। हथियार ला रहे, देखता हूँ सालों को। वो उठा क्या कर रहे? कर क्या रहे? अरे यार ये सोडे में कीले धो रहा है क्या? कमाल हो गया, लोग हॉस्पिटल आ
के सुई लगवाते हैं और ये भाई साहब सुई लगवा के हॉस्पिटल आए हैं। हंसा अच्छा लेते हो लेकिन अभी हंसने का मूड नहीं है। अरे तो रो लो ना, पर सुई लगाने वाला साधारण आदमी बिल्कुल नहीं है। दिमाग से तेज, जिस्म से देखो तो बिल्कुल तगड़ा, ऐसा आदमी इतना दमदार जिसके सामने सब अपना सिर झुका देते हैं। तू डॉक्टर है या डायलॉग राइटर? डॉक्टर, ये मुंह के एक्यूपंक्चर से हमारा दर्द और मत बढ़ाइए। क्या आप में से कोई मुझे उससे मिलवा नहीं सकता? क्यों, तुझे भी सुई लगवानी है? डॉक्टर आई पेनी। आने दो, आने दो। आज इन सालों की क्लास लेनी पड़ेगी। उस दिन हमको पंचर किया था, आज इनको पंचर करेंगे। चल बेटा शुरू हो जा। आज तो तुम लोग गए। देरे, अब देखना पूरे शरीर में होल हो जाएंगे। अस्पताल में तेरा बेड पहले से बुक कर दिया है। नंदू, उसके पास तो बियर बॉटल है। मरने से पहले टल्ली होना चाहता है। अरे भागने वाले, 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 भागने मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। अभी नहीं, शाम को कहूंगी। ठीक है। लाओ मैं कॉपी बांध देता हूँ। हाँ। वैसे भी तो तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम पढ़ोगी तो हमारा ही सीना तो चौड़ा होगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। बोल मन्ना, लड़की को उठा लिया। पहले अपनी शादी की तैयारी कर, वो अपने आप आ जाएगा। साले को शादी के मंडप में ही काट के काट दूंगा। आज उसका गेम दी एंड भाई। hey, जल्दी चलाना। चाहे जो हो जाए, हमें ऐश्वर्या को ढूंढना ही होगा। मन्ना के आदमियों का पता हमें काशी के आदमी दे सकते हैं। रिची, में हम मालिक के लिए एक होटल तक ढूंढ नहीं पाए। यहाँ तक कि ऐश्वर्या मुसीबत में थी तो हम उसे भी नहीं बचा पाए। अब हम क्या करेंगे? घबरा मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। नमस्ते जी। मैं राम नरेश, मेरे पिताश्री का नाम राम सुरेश। मैं कैटरिंग का ऑर्डर लेने आया हूँ आपके भांजे की शादी के लिए। एक बार पुलिस की बेटी की शादी का ऑर्डर लिया था, तब से मेरे खाने के वादे हैं। उसके बाद मैंने भलाई का काम छोड़ दिया है। अब से मैं सिर्फ गुंडों के लिए खाना बनाऊंगा, जैसे तुम बदमाश हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जिंदगी चैन से कटे। क्यों रे, खाना तो अच्छा बनाएगा ना? मोटू, अब तेरी बारी है, बोल। इनका खाना खाने के बाद कोई हाथ भी नहीं धोता। गंदे हाथों से चप्पल मारते हैं क्या? अरे मेरा मतलब, आप इतना टेस्टी खाना जो बनाते हो। ठीक है सामान बता। 10 बोरी चावल, शटर बंद होने के बाद बनिए की दुकान से चुरा लेना। 2 बोरी शक्कर, झिंगुर राशन की दुकान से 2 बोरी गुल कर लेना। और 100 नारियल आसपास के किसी खेत से तोड़ कर ले आना। और लड़की तो उठा कर लाए होंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन था आप जैसे गुंडों की शादी में लड़की को मंडप में उठा के बिठाओ, तभी मन को शांति मिलती है। लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। बैठ के बात करूं क्या? आपकी शादी में टोटल कितने दुश्मन आएंगे? करीब 1000-2000, फर्क नहीं पड़ता। दाल में जहर डाल के ऐसे प्यार से मिक्स कर दूंगा कि सारे मर जाएंगे। आज के बाद कोई दया नहीं, और जहर मैं लाऊंगा। अब ये नाचीज इजाजत मांगता है। शादी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। चल मोटो। संकी है क्या? क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो मालिक। संजय कपूर और उसके लफंगे दोस्तों ने मुझे त्रिची बुला के मेरे सारे पैसे लूट के मेरे साथ खिलवाड़ किया है। अब मैं उन्हें खाना बनाने के लिए बुलाऊंगा और उनका काम तमाम कर दूंगा। क्या कहना चाहते हैं? कान का मैल निकाल, बाद में सुन।
मैं खाने में जहर मिला के सारा इल्जाम उन पर डाल दूंगा और जब सब पूछेंगे तो उन्हें कुत्तों की तरह मार ना खिलवाया तो मेरा नाम राम नरेश नहीं। जल्दी से उनको फोन लगा। कैसा है काले भटूरे? नहीं नहीं जो हो गया सो गया। तो बता आजकल क्या हाल चाल है? मेरे तो सारे पैसे उड़ा दिए, अब किसको चूना लगा रहे हो हैं? मालिक ऐसा नहीं है मालिक। बाकी सारे लौंडे कहाँ हैं? वो तो नहीं आए, पता नहीं अब वो वापस आएंगे भी या नहीं। और अपने प्लान का क्या? गधे अपना पनौती मुंह बंद कर, भटूरे उनसे बात करो, जो हो गया सो भूल जाओ, बुला लो सबको काम पे। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएंगे। सबको 5,000 रुपए दूंगा। बहुत पैसों की नहीं है मालिक। अब क्या करेंगे मालिक? रोना बंद करो और तैयार हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मालिक आप फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह उनको लेके आ जाऊंगा, अपना फोन मुझे दो। मालिक आप उनको पर पर्सन 5,000 क्यों दे रहे हो? ए मोटो, जहर वाला खाना खाने के बाद वो टपक जाएंगे, मैं पैसे लेके चला जाऊंगा। मालिक दौरा पड़ गया क्या? अब तुम देखते जाओ राम नरेश कैसे उनकी पुंगी बजाता है। अरे तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ऐश्वर्या यही है। ऐश्वर्या गाड़ी को आगे जाने दे, चला गया। ए मोटू वो ले लिया? हाँ ले लिया। पॉइजन? ये चोरों की तरह छिपके कौन जा रहा है? मालिक आपका नौकर संजय हूँ। तो संजय कपूर आ ही गया, लेकिन आते ही लुका छुपी का खेल शुरू कर दिया। मालिक हमने आपको बहुत तकलीफ दी है इसलिए हम शक्ल नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आखिरी बार तुम लोगों की मनहूस शक्लें देखना चाहता हूँ, दिखाओगे या ऐसे ही ऊपर जाओगे? ए मोटू ये तो अभी से चलती फिरती लाशें लग रहे हैं, मरने के बाद इनकी क्या हालत होगी? कल पता चल जाएगा मालिक। चलो जाओ जल्दी से अपना काम शुरू कर दो, मजेदार खाना बनाओगे ना तो सबसे आगे बैठ के खाओगे, अंडरस्टैंड? ठीक है मालिक। अब जाओ। ऐश्वर्या संजय रो मत ऐश्वर्या, सब ठीक हो जाएगा। खाना तैयार हो गया, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, मेहमान आने शुरू हो गए। और हाँ तू अच्छे से मिक्स करना। मालिक खीर तैयार है, दूल्हे के परिवार से कहिए चक्कर बताए कैसी बनी है, नाश्ता भी कुछ देर में तैयार हो जाएगा। ये और जरा एक मिनट, ऊपर से थोड़ा पिस्ता अच्छे से मिलाओ बादाम। अब मोटू मरने से पहले ये कितना पसीना बाहर है ना, अस्मत हवा आने दे। वो लड़की कहाँ गई? क्या पता, तुमने उसे देखा क्या? नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने भी नहीं देखा। कैसे हो? कैसे नमस्ते। हो आप? आप कैसे हैं? खाना खाए बिना मत जा सर, त्रिची आने के बाद ये पहला ऑर्डर है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे चख के देखें, बाद में मेहमानों के लिए भिजवाता हूँ। सुनिए जी वो लड़की नहीं दिख रही, बाहर कुत्ते बिल्लियों के साथ खेल रही होगी। पूरे घर में ढूंढ लिया। क्या शादी से पहले लड़की गुल हो गई? संजय कुमार खाना मत परोसना, संजय लीला किसी को खाना मत देना। ये संजय कौन है? अपना बच्चा है जी। उसे यहाँ कौन लाया? मैं लाया, और कौन लाएगा? क्यों? स्पेशल वजह है, नहीं बता सकता। कैसी वजह? इट इज टॉप सीक्रेट डूड। कैसा सीक्रेट? क्या यार, शादी वाले घर में लड़की खो गई है और तुम CID बन के संजय कपूर के बारे में तहकीकात कर रहे हो? वही लड़की को गुल कर गया। मालिक हमारा प्लान चौपट हो गया, वो कमीने उस लड़की को भगा के ले गए, अब जल्दी निकलो यहाँ से। उस साले केटर को पकड़ लिया तो हमें संजय मिल जाएगा, और एक बार संजय को पकड़ लिया तो लड़की मिल जाएगी, लड़की के मिलने के बाद ही कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरा। जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। संजय को पकड़ने के बाद मोहन भाई के पास फेंक देंगे और फिर उनसे कॉम्प्लेक्स की चाबी ले लूंगा मैं। वाह वाह, कॉम्प्लेक्स तो अब कंफर्म हो गया। हेलो हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ, आपने कुतुब मीनार के बारे में पूछा था ना? मैंने कुतुब मीनार के बारे में कब पूछा था? रॉन्ग नंबर।
गाड़ी लेफ्ट लो उधर किधर जा रहा है पागल कहीं का। हेलो हाँ सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे थे ना वो कुतुब मीनार के बारे में। मैंने कहा ना, मैंने कुतुब मीनार के बारे में नहीं पूछा था, रॉन्ग नंबर है। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इधर क्या देखते, सामने देख बेवकूफ कहीं का। अगर गाड़ी लड़ गई तो क्या हुआ, मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे हर हाल में एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, सामने से नजर हटनी नहीं चाहिए, एकदम ठीक से गाड़ी चला, उल्लू का पट्टा कथा कहीं का। अब किसका फोन है? हेलो हाँ सर, कुमार बोल रहा हूँ। अरे सर, आपकी जगह किसी गधे को फोन लगा दिया मैंने। अबे गधा किसको बोल रहा है, तूने फिर उसी गधे को फोन लगाया, मतलब मुझे लगाया, फोन रख। ओ सर सॉरी सॉरी। अगर फिर से फोन किया तो मैं फोन में घुस कर मारूंगा, तू जगह भाई को जानता है। काट दिया सर। भाई आप उससे पहले कभी मिले नहीं तो आपको कैसे जानेगा, बराबर ना? सही बोला भाई। फिर मेरी तरफ देखा, सामने देख के गाड़ी चला, सामने देख, ठीक से गाड़ी चला। गाड़ी लड़ गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। गाड़ी लड़ गई, चल चल चल, अरे क्या राइट लेफ्ट लेता रहता है, जल्दी कर। उसी का फोन लगता भाई। हेलो सर, कुमार बोल रहा हूँ। सर आपका ये फोन बार बार कोई उल्लू का पट्टा उठा रहा है। अबे भाई तुझे, सर आप कुछ खा रहे हैं? अबे कितनी बार कहा कि रॉन्ग नंबर लगा, तू कहाँ खड़ा है? मैं वही आता हूँ, कहाँ खड़ा है? सर आ जाइए, आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आराम से ही आ रहा हूँ, गाड़ी से आ रहा हूँ, पैदल थोड़ी आ रहा हूँ। क्या है, किधर देख के गाड़ी चलाता है? हम सब उस लड़के और लड़की को पकड़ने जा रहे थे ना भाई, लेकिन आपने अभी अभी फोन पे अचानक कहीं और जाने का प्लान बनाया तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक बार आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि हमें जाना कहाँ है। आप बताइए ना, हमें यहाँ जाना कि वहाँ जाना है? भाई को हॉस्पिटल जाना है। ठीक है भाई, अभी लेके चलता हूँ। चुप साले, ए बातें मत कर और गाड़ी चला, बहुत ज्यादा बोलता है। चुप। नहीं नहीं नहीं, बुरा मत मानना, लिफ्ट देने का हक पहला उसका बनता है। मुझे उस गाड़ी में बैठ के उसे सेवा का मौका देना पड़ेगा। अगर आप लिफ्ट देना चाहते हैं तो कल शाम को 5 बजे मिलूंगा। जय राम। चल रहे तू गाड़ी में। साले उस दिन तूने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था ना, रुक रुक, आज आया तू शेर के पिंजरे में। चल अंदर, चल अंदर, तेरी तो अब मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, बस तू देखता जा। पहचानता है मुझे? मुझे ऊपर वाली लिफ्ट में मत बिठाना। अब शक्ल भी अच्छे से देख ले, ये देख क्या हाल किया है तूने। साले को गैर के डंडे के बीच में बिठा। अभी बताता हूँ तुझे, गाड़ी स्टार्ट कर, गियर डाल। लगता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। हेल मत रहे। मैंने लिफ्ट मांगी थी, तुमने ऊपर शिफ्ट। और ऊपर पहुँचाओगे? भाई पार्टी आ रही है, जहाँ से भागा था वहीं लेकर जा रहा है साले। तेरे मालिक आ गए। इधर आ। नहीं आऊंगा, क्या वो खा रहेगा? ज्यादा चमड़ी चढ़ गई है क्या? चमड़ी चढ़ी नहीं है, उतारनी आती है, उतारूं क्या? यारे तूने इसको जेल भिजवाया, इसका होटल जला दिया, कॉम्प्लेक्स को हमसे दूर कर दिया, तू है कौन, कहाँ से आया है, क्यों हमारी खाट खड़ी कर रहा है? बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। ये मेरे पिताश्री हैं, राम सुरेश। He was a number one cook. ऐसा खाना दिल से बनाते थे कि लोग इनकी उंगलियां चाटते थे। मेरे दादाश्री, इनके पिताश्री राम संदेश, उनकी फोटो नॉट अवेलेबल, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी पर कैमरा नाम की चिड़िया थी ही नहीं। मैं उस महान खानदान का वारिस हूँ जहाँ पर महान शेफ ने कटरीना कैफ तक को खाना खिलाया है। लेकिन कुछ लौंडे होटल खोलने के नाम पे मुझे यहाँ ले आए और मुझे इस तरह खोल के रख दिया है कि कोई भी दर्जी मुझे सिलने को राजी तक नहीं हो रहा। ए भाई, अब क्या खड़े खड़े इसके रोने धोने का ड्रामा सुन रहे हो? इससे पूछो लड़की कहाँ है, पूछो और खत्म करो साले को, जो होगा देखा जाएगा। ए, फिसलन पट्टी सिर वाले, तुम मुझे मार के खत्म करना चाहता है, जाके उन बेईमानों को पकड़ो। सर पे बाल नहीं है, दिमाग में भेजा नहीं है, ये ले पहन ले, बच्चे डर जाएंगे। ज्यादा उछल रहा है। इसकी इतनी धुलाई करो कि ये खुद लड़की को यहाँ ले आए। क्या? मैंने बोला कि तेरा दिमाग जरा ठिकाने पे लगा दे। भाड़ में जाए वो लोग, मुझे कितना भी मार लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तुम्हें होगी, तुम लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे, दवा लाओगे, ग्लूकोज चढ़ाओगे, फिर भी उनमें से कोई नहीं आने वाला। चार आने के मुर्गी, बार आने का मसाला, वो कहते ना हटेला कान डांसाला। मेरे को बोला क्या? अगर उनकी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा तो वो डॉक्टर को मिस कॉल देंगे कि आ जा डॉक्टर आ जा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो भी वो देखने नहीं आएंगे। ए मोटू, जा वो लेके आ। क्या मंगवाया इसने? पता नहीं भाई।
मालिक ये लीजिए। संजय कपूर और उसके दोस्तों को मारने के लिए मैंने जहर डाला, मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ताकत है तो खा कर दिखाओ। ये लो खाओ, टकले तू भी खा खा। अगर नहीं खा रहे तो जाओ खाओ, खा के बत्ती बुझाओ जाओ। अच्छा तू चखना चाहता है, ये ले चखले। तू जानता है ये कौन है? अच्छी तरह जानता हूँ, दिखने में गॉडज़िला का कलर फोटोकॉपी लगता है। तुझे इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सही क्या बात? हंसने की रो रहा है? कौन है ये बंदा? भाई ये शादी में केटरर का काम कर रहा था, हम उससे पूछताछ कर रहे थे। ये सब क्या टाइम पास लगा के रखा है तुम लोगों ने? उस एक लौंडे को नहीं पकड़ पा रहे हो जिसने मुझे पागल कर रखा है। तुम लोगों को कुछ पड़ी है कि नहीं? तो मर्द नहीं है क्या? उस लौंडे को ठोक डाल, फिर वो लड़की अपने आप तेरी हो जाएगी। वो मरेगा तभी वो लड़की तेरी होगी। मेरे कार्तिक की रूह बहुत तड़प रही है। हार डाला उस, मुझे उसकी लाश देखनी है। उसकी लाश देखनी है मुझे। कब तक इस तरह भागते रहेंगे? तुम जाओ, मैं देख लूंगा। संजय रुको, फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। ओके, संभल कर जाना। Thank you.
अरे ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू वेरी मच संजय। ओके अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, हम लोग भी साथ में ही चलते हैं। नहीं मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलूंगा। बाय। टेक केयर संजय। ए, चलो। चलिए मम्मी। 15 रुपए में प्लेट, 15 रुपए में प्लेट, फुल प्लेट दाल राइस खा लो। 15 रुपए में प्लेट, 15 रुपए में प्लेट, फुल प्लेट दाल राइस खा लो। आ जाओ, बैठो साहब, 15 रुपए प्लेट, खा लो, आ जाओ, बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ, 15 रुपए प्लेट, hey, बैठ जाओ। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अगर ऐसे बुलाएगा ना तो कस्टमर भाग जाएंगे। हाँ समझ गया, एक दो काम करो, ऊपर से धमकी सुनो। 15 रुपए प्लेट, 15 रुपए प्लेट। संजय कपूर, बहुत पापड़ बेलने के बाद नौकरी मिली है, पापड़ का खा करा मत। अरे बोल रहे, नहीं तो रात को खाना नहीं दूंगा। हाँ बोलता हूँ, 15 रुपए प्लेट, 15 रुपए प्लेट। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे बगैर आपकी ये हालत हो जाएगी। तुम होते तो भीख मांग रहा होता, उससे तो हालत बेहतर। मालिक आप ऐसी बात मत कीजिए, आप भीख मांगते हुए अच्छे नहीं लगोगे। तुरे तू तो चुप ही रहना, जरूरत पड़ी तो भीख भी मांग लूंगा, लेकिन तुम लोगों से वास्ता नहीं रखूंगा। खूब गुस्सा थूक दीजिए, इस बार हम होटल पक्का खोलेंगे। सब लोग वादा करो। पक्का होटल खोलोगे ना? पक्का नहीं, डबल पक्का। हाँ मालिक, रिबन काटिए मालिक। संजय लीला, कैंची किधर है? मेरी तरफ मत देखिए, आई हैव चेंज्ड। मालिक ये रही कैंची, घर से ले आया क्या? मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, जैसे लड़का मिल जाएगा मैं केटरिंग आप ही से करवाऊंगा। अरे सर, आपकी बेटी हमारे मालिक के लिए हर रोज खाना बनाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? बेटी की शादी किसी और से करने से अच्छा है इस जोकर से ही कर दो ना। संजय खान, मेरा मतलब है हमारे मालिक से शादी कराइए ना। सर चट मंगनी और पट शादी करा दीजिए ना, नहीं कराएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या बोला? वो कहना मालिक, तभी तो हम अपने चुन्नू मुन्नू मालिक के साथ खेल पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी धमकी दे दी। आता नहीं है, प्यार से बोलना सीख ले। हाँ मालिक समझ गया। आज ही आपका होटल भी खुल गया और आज ही आपकी शादी भी पक्की हुई।